दोस्तों, अगर आप विजय थलापति की मस्ट वेटेड मूवी थेरी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थेरी मूवी के बारे में। ये मूवी कौन सा और कहाँ पे आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानिए पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करें इस मूवी के बारे में तो थेरी 2016 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एटली कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित है और वी वेंकटेश के बैनर तले कलईपुली एस थानु द्वारा निर्मित है। यह मणिरत्नम की फिल्म क्षत्रिया से प्रेरित है। फिल्म में विजय समंथा रुद्र प्रभु और एमी जैक्सन है। फिल्म का संगीत जीवी प्रकाश कुमार द्वारा तैयार किया गया है। छायांकन जॉर्ज सी डॉट विलियम्स द्वारा किया गया है और संपादन किया गया है रूबेन डॉट। फिल्म में एक पूर्व पुलिस अधिकारी अपनी बेटी को अपने पुराने दुश्मनों से बचाने की किस्म मिशन पर है। यह फिल्म राजा रानी 2013 के बाद कुमारी की दूसरी निर्देशित फिल्म थी जिसकी सफलता ने विजय को निर्देशक के साथ काम करने के लिए प्रभावित किया। एटली स्क्रिप्ट के लेकर आए जो एक भावनात्मक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और इसकी औपचारिक घोषणा सितंबर 2014 में की गई थी। पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों और जून 2015 में एक औपचारिक लॉन्च समारोह के बाद फिल्म का निर्माण जुलाई की शुरुआत में चेन्नई में शुरू हुआ। फिल्म एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया की हड़ताल और चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण फिल्म को दो बार रोकना पड़ा। इसके अलावा चीन में खराब जलवायु परिस्थितियों के कारण टीम को वहां दृश्यों को फिल्माने का विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना। कठिनाइयों के बावजूद फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई। थेरी 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म ने 75 करोड़ के बजट के मुकाबले 150 करोड़ की कमाई की और 2016 के दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनकर उभरी। इसने 3 SIAAMA पुरस्कार, 3 आईफा उत्सव पुरस्कार, 2 आनंद विक्टन सिनेमा पुरस्कार और 64वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में 9 नामांकन जीते। फिल्म को असमिया में रत्नाकर 2019 के रूप में रूपांतरित को किया गया था। वर्तमान में इसे विजय के करियर की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म में व्यावसायिक तत्वों और टेलीविज़न चैनलों पर इसके कई बार पूर्ण प्रसारण के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। जोसेफ कुरुविला एक हास्यिक व्यक्ति है जो एक बेकरी चलाते हैं और अपनी 5 वर्षीय बेटी निवेदिता नीवी के साथ रहते हैं और वे शांतिपूर्व जीवन जीते हैं। जोसेफ जल्द ही नीवी की शिक्षिका एनी से दोस्ती कर लेता है जो उस पर क्रश विकसित करने लगती है। एनी को जल्द ही पता चलता है कि जोसेफ वास्तव में चेन्नई में एक ईमानदार पुलिसकर्मी DCP विजय कुमार है। जब सच्चाई का सामना होता है तो जोसेफ अपने अतीत का खुलासा करता है। अतीत एक रात विजय की मुलाकात एक बड़े व्यक्ति से होती है जो अपने लापता बेटी राजीव को एक IT कर्मचारी है को ढूंढने के लिए शिकायत लेकर आता है, जहां वह मामले की जांच करता है और 10 घंटे के भीतर पता चलता है कि उसकी यौन उत्पादी पीड़न करके हत्या कर दी गई थी। विजय के आगे की जांच उन्हें अश्विन तक ले गई जो श्रम मंत्री वन मामला इलाई के बेटे हैं। राजी की मृत्यु के 3 दिन बाद विजय अश्विन को गिरफ्तार करने के लिए वन मामलाई के घर जाता है, लेकिन वन मामलाई और आयुक्त CV चक्रवर्ती ने उसे सूचित किया कि अश्विन 3 दिनों से लापता है। विजय को अश्विन को ढूंढने का काम सौंपा गया है। वन मामलाई को पता चलता है कि
अश्विन की हत्या विजय ने ही की थी, जहां वह अपने बेटे की हत्या के लिए उससे प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। विजय की मुलाकात एक डॉक्टर मिथरा से होती है, जहां अंततः उन्हें प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। फिर उन दोनों के पास नीवी है और वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। दुर्भाग्य से दीपावली की रात वन ममलाई और उसका भाई रत्नम विजय के घर में घुस जा गए, जहां उन्होंने विजय की माँ और उसकी पत्नी मिथरा को मार डाला और नीवी को डुबाने का भी प्रयास किया। हालांकि घायल मिथरा नीवी को बचाता है और विजय को शपथ दिलाता है कि वह अपनी बेटी नीवी को एक अहिंसक व्यक्ति के रूप में बड़ा करेगा और पुलिस बल जोड़ देगा। विजय मिथरा की प्रतिज्ञा स्वीकार करता है और नीवी की रक्षा के लिए उसकी मौत का नाटक करता है। विजय एनी से इसे नीवी से गुप्त रखने के लिए कहता है। नीवी के भ्रमण के दौरान वन मामलाई को पता चलता है कि विजय और नीवी जीवित हैं, जहां वह स्कूल बस के ब्रेक को हुए नुकसान का समन्वय करता है, जिसमें नीवी है जिससे बस नदी में गिर गई। एनिंग और स्थानीय लोगों की मदद से विजय नीवी और अन्य बच्चों को बचाने में कामयाब होता है, जहां उसे पता चलता है कि दुर्घटना के पीछे वन मामलाई का हाथ है और वह वन मामलाई के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए अपने पुराने स्वरूप में लौट आता है। विजय चेन्नई लौटता है और इंस्पेक्टर करिकलन को मार डालता है, जो वन मलाई का गुर्गा है और उस रात मौजूद था जब मिथरा की हत्या हुई थी। इस समय वन ममलाई और रत्नम के बीच अनबन हो जाती है, जहां विजय रत्नम को एक इमारत की 13वीं मंजिल से धक्का देकर मार देता है। अंत में विजय को वन ममलाई के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। केवल उन्हें एहसास होता है कि यह विजय की पकड़ में आने की योजना थी। विजय बाद में वन ममलाई और उसके गुर्गों को मार डालता है। हत्याएं जनता के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन सीबी चक्रवर्ती को गुप्त रूप से पता है कि विजय जीवित है और उसे पुलिस बल में फिर से नियुक्त किया गया है। कुछ साल बाद विजय बड़ी नीवी और एनी लद्दाख में है। विजय उस जिसने अपनी पहचान बदलकर धर्मेश्वर रखा और लिया है, सीबीआई के लिए काम करना जारी रखता है और मिथरा की इच्छाओं को भी पूरा करता है। विजय डीसीपीए के रूप में विजय कुमार आईपीएस और मिथरा के पति जोसेफ कुरुविला नेवी के पिता धर्मेश्वर समंतारूत प्रभु मिथरा विजय की पत्नी और नेवी की मां के रूप में एनी नेवी की शिक्षिका के रूप में एमी जैक्सन रवीना रविधारा डब की गई आवाज़ निवेदिता नीवी विजय और मिथरा की बेटी के रूप में नैनिका किशोरी निवेदिता के रूप में दिव्या विजय कैमियो उपस्थिति विजय की मां पप्पू के रूप में राधिका शरत कुमार महेंद्रन वन ममलाई के रूप में आयुक्त जी डॉ सी वी चक्रवर्ती के रूप में प्रभु गणेशन पी राजेंद्रन के रूप में राजेंद्रन वन ममलाई के छोटे भाई रत्नम के रूप में अजगम पेरमूल गणेश के रूप में काली वेंकट श्री कुमार को एसीपी मनोबाला स्कूल प्रिंसिपल के रूप में एसीपी करिकालन के रूप में स्टन शिवा मित्रा के पिता के रूप में कुमार नटराजन मित्रा की बहन पल्लवी रामकृष्णन के रूप में आयरा मित्रा और पल्लवी की चाची के रूप में निहारिका कल्याणी नटराजन फॉरेंसिक परीक्षक के रूप में विजय की भाभी दुल्हन के पिता के रूप में स्वामीनाथन मिथरा की दोस्त के रूप में अमृता अय्यर इसहाक के रूप में
सुगुथन, प्रीज, नीति के चेतन के गुर्गे के रूप में, सौंदर राजन कार्तिक के रूप में, पुलिस के रूप में शाहिद हिना एक, बाल तस्कर चेतन गुर्गे के रूप में बीनिश वास्तिट, पांडे कुट्टी के रूप में आर के अविन अभिनव, वन मामलाई के गुर्गे के रूप में आत्मा पैट्रिक, राजी के रूप में राजी के रिपीता के रूप में ए आर सी चलादुरई, टी मुथुराज चेतन के रूप में, कैमियो उपस्थिति सुनैना विजय की भावी दुल्हन के रूप में। जनवरी 2014 में विजय ने अपनी पहली निर्देशक फिल्म राजा रानी 2013 से प्रभावित तो होने के बाद एटली द्वारा निर्देशित एक परियोजना के साथ काम करने में रुचि व्यक्त की। बाद वाले को भी फिल्म में काम करने की उम्मीद थी क्योंकि वह अभिनेता का प्रशंसक था और उसकी हालिया परियोजनाओं की भी प्रशंसा करता है। बताया गया कि कलाई पुदली एस थानू ने इस परियोजना को वित्त पोषित किया था और इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर 2014 में की गई थी। निर्माताओं ने आगे घोषणा की कि टीम विजय की दूसरी फिल्म पुली 2015 में पूरा होने के बाद ये फिल्मांकन शुरू करेगी, जबकि एटली ने 2014 के अंत तक फिल्म की पटकथा लिखना जारी किया रखा। नवंबर 2014 में जीवी प्रकाश कुमार को थलाइवा और राजा रानी के बाद फिल्म ने से विजय और एटली के साथ सहयोग करने वाले संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एटली की पिछली फिल्म राजा रानी में शामिल कई तकनीकी दल को भी टीम में शामिल किया गया था, जिसमें सिनेमेटोग्राफर जॉर्ज सीडट विलियम्स, संपादक रूबेन और कला निर्देशक टी डॉट मुथुराज शामिल थे। यह फिल्म एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर मानी जा रही है, जहां विजय फिल्म में एक पुलिस अधिकारी और एक पिता की भूमिका निभाएंगे। और बताया गया है कि यह फिल्म छत्रिया 1990 से प्रेरित है। नवंबर 2015 के अंत में निर्माताओं ने धारा थेरी को अंतिम रूप देने से पहले फिल्म के लिए मुंडुरु मुंगम, वेट्री थुपाकी खाकी और थुरुमारु सहित कई शीर्षकों पर विचार किया गया था। फिल्म का पहला लुक भी उसी तारीख को जारी किया गया था। समंता रूथ प्रभु और एमी जैक्सन को मुख्य महिला भूमिका निभाने का काम सौंपा गया। घोषणा के तुरंत बाद कई रिपोर्ट सामने आई कि नयनतारा मुख्य भूमिका निभाएंगी। हालांकि जनवरी 2015 में अभिनेत्री ने फिल्म में हिस्सा होने के दावों का खंडन किया। बाद में समंता रूथ प्रभु को मुख्य महिला भूमिका के रूप में घोषित किया गया। एमी जैक्सन भी दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में फिल्म में शामिल हुई। कथित तौर पर फिल्म में उन्हें एक मलयालम भाषी स्कूल शिक्षिका की भूमिका निभाई गई थी। प्रारंभ में टीम ने जैक्सन की भूमिका के लिए कुछ हिंदी अभिनेत्रियों से संपर्क किया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मार्च 2015 में अनुभवी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता राधिका शरत कुमार 27 साल बाद दूसरी बार विजय के साथ काम करते हुए फिल्म में विजय की मां की भूमिका निभाई गई थी। फिल्म में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए टीम ने भारती राजा से संपर्क किया था, लेकिन उनके फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार करने के कारण एटली ने अनुभवी निर्देशक के महेंद्र को प्रतिपक्षी के रूप में चुना। इसी तरह सत्यराज ने भी एक और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संपर्क किया, जिसे उन्हें बाहुबली 2 द कंक्लूजन में अपनी प्राथमिकताओं के लिए के कारण
अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद प्रभु को यह भूमिका निभानी पड़ी। परियोजना की शुरुआत के दौरान अभिनेत्री मीना की बेटी नैनिका ने अधिकारी के तौर पर फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की, जिससे उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। वह फिल्म में विजय की रियल लाइफ बेटी का किरदार निभाएंगी सुनैना को भी फिल्म के एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनेत्री अमृता अय्यर समंता की चचेरी बहन की भूमिका में एक अज्ञात भूमिका में दिखाई दी। 26 जून 2015 को चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर केरल क्लब हाउस में एक आधिकारिक लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कलाकारों और चालक दल के कई सदस्य उपस्थित थे। फिल्म का निर्माण जुलाई 2015 की शुरुआत में चेन्नई में शुरू हुआ और विजय के लिए एक परिचयात्मक गीत शहर में शूट किया गया था। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रूट पर विजय और समंता के दृश्य दिखाए गए। चेन्नई में आगे के दृश्य आदित्य राम स्टूडियो और बिन्नी मिल्स में फिल्माए गए, जहां कला निर्देशक टी दत्त मुथुराजन ने एक विशाल सेट बनाया था। राधिका भी शूटिंग का हिस्सा थी, जबकि अभिनेत्री सुनैना ने जुलाई के माध्यम में समाप्त हुए शेड्यूल में एक दिन के लिए शूटिंग की। बताया गया कि दूसरा शेड्यूल महीने के अंत में शुरू होने वाला था, लेकिन फिल्म एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया के खिलाफ तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल द्वारा की गई हड़ताल के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 3 अगस्त 2015 को चेन्नई में फिर से शुरू किया गया, जिसमें विजय और समंता शूटिंग में शामिल हुए और 25 दिनों तक चले। कुछ दृश्यों की शूटिंग ईस्ट कोस्ट रोड पर MGM DG वर्ल्ड में भी की गई। सितंबर 2015 में चेन्नई में एक महीने की लंबी शूटिंग के लिए एक और कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। सितंबर में के माध्यम में टीम ने अनुभवी अभिनेता शिवाजी गणेशन के पैतृक घर अन्नईलम में कुछ दृश्यों की शूटिंग की और शूटिंग 2 से 3 दिन तक चली। नवंबर 2015 में यह पता चला कि फिल्म 70% पूरी थी और समंता प्रभु से जुड़े कुछ हिस्सों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। इसके बाद एमी जैक्सन एक नए शेड्यूल के दौरान अपने हिस्से की शूटिंग के लिए चेन्नई में टीम में शामिल हुए। दिलीप सुब्बारायन द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्य पूरे महीने फिल्माए गए। चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण शूटिंग बाधित हुई। हॉलीवुड स्टंट कोरियोग्राफर कलोयान होडेनिचेरोकवन ने फिल्म के क्लाइमेक्स भागों की शूटिंग में मदद करने के लिए दिसंबर 2015 की शूटिंग शुरुआत में टीम को काम किया टीम के साथ काम किया। चीन में खराब जलवायु और परिस्थितियों के कारण टीम को हवा दृश्यों को फिल्माने का विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना। क्लाइमेक्स दृश्यों को शूट करने के लिए चेन्नई की एक फैक्ट्री में सेट लगाए गए थे। दिसंबर 2015 के दौरान कलाकारों को प्रशिक्षित करने और दृश्य को फिल्माने में मदद करने के लिए कालोयान को भर्ती किया गया था। जनवरी 2016 के माध्यम में सुब्बारायन के मार्गदर्शन में एक अंडरवाटर
वाटर अंडर वाटर स्टंट सीक्वेंस फिल्माया गया था। टीम ने विजय और जैक्सन पर आधारित एक गीत का फिल्मांकन शुरू किया और गीत के पूरा होने के साथ मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो गई। फिल्म का साउंडट्रैक और स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है। विजय और एटली के साथ उनका दूसरा सहयोग होने के अलावा यह फिल्म संगीतकार के रूप में प्रकाश की 50वीं परियोजना भी की थी। परियोजना में शामिल होने के तुरंत बाद प्रकाश ने नवंबर 2014 के दौरान गीतों की रचना शुरू की और जनवरी 2016 के भीतर काम पूरा किया। अपने माइक्रो ब्लॉगिंग पेज में संगीतकार ने कहा कि फिल्म के सभी ट्रैक ट्रेड हुए हैं सेटिंग और इसमें अनुभवी संगीतकार देवा, अभिनेता निर्देशक टी डॉट राजेंद्र ओथारा उन्नी कृष्णन और स्वय अभिनेता विजय धारा रिकॉर्ड किए गए गाने शामिल हैं। एल्बम में 7 ट्रैक थे जिनके बोल पुलमाई पिथन ना धारा लिखे गए थे। मुथु कुमार पाडट विजय काबिलन रुकेश आर त्यागराजन और अरुण राजा कामराज इसे थिंक म्यूजिक धारा 20 मार्च 2016 को रिलीज किया गया था। यह रिलीज चेन्नई के सत्यम सिनेमा में आयोजित किए गए एक प्रमोशन कार्यक्रम के साथ हुई जिसमें कलाकार और क्रू की मौजूदगी थी। पूरे गाने के बावजूद हे आसमान नामक एक बोन्स ट्रैक 10 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। 15 जनवरी 2016 को पोंगल के अवसर पर फिल्म को प्रमोशनल चित्र जारी किए गए। आधिकारिक टीजर का अनावरण 5 फरवरी 2016 को किया गया था। टीजर को शुरुआत में 5 फरवरी की आधी रात को अपलोड किया गया था। एक गुम नाम चैनल के कॉपीराइट दावों के बाद हटा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया था। तकनीकी टीम द टीजर को प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों से प्रशंसा मिली और इसके रिलीज होने के 24 घंटे के भीतर 1.5 मिलियन बार देखा गया। फिल्म का प्रचार 14 मार्च 2016 को दौरान शुरू हुआ। टीम ने 20 मार्च को ऑडियो लॉन्च से पहले विशेष पोस्ट जारी किए। इसके रिलीज से एक महीने पहले एसपीआई सिनेमास जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए थे ने रिलीज से पहले महीनों पहले सिनेमाघरों में फिल्म की प्री बुकिंग शुरू कर दी थी। प्री बुकिंग सुविधाएं एसपीआई सिनेमास के स्वामित्व वाले थिएटरों से संबंध थी जिनमें सत्यम स्केप और S2 थिएटर शामिल है। यह बताया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से विजय के प्रशंसकों द्वारा सक्रिय प्रचार व्यापक प्रचार के साथ प्रचार किया गया था। एबी रामी मल्टीप्लेक्स के प्रबंध निदेशक अभिरामी रामनाथ ने कहा कि रिलीज के पहले 5 दिनों में 6000 से अधिक टिकट बेचे गए हैं। थेरी को पहले यूए प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए 14 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। हालांकि गंभीर हिस्सा और खून खराबे वाले दृश्यों को कम करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा कई कटौती के बाद फिल्म को यू प्रमाण पत्र मिला। इससे पहले जुलाई 2015 में टीम ने स्थायी रूप से 2 रिलीज तिथियां तय की थी। एक पोंगल 15 जनवरी 2016 के अवसर पर और दूसरी गणतंत्र दिवस सप्ताहांत 22 जनवरी 2016 के लिए तय की गई थी। टीम ने फिल्म के जल्दी पूरा होने के आधार पर रिलीज की तारीख की योजना बनाई थी। हालांकि उत्पादन में देरी के कारण
टीम को रिलीज की तारीख को तमिल नव वर्ष 14 अप्रैल 2016 तक आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जानबूझकर रजनीकांत स्टारर कबाली ठानू की उनके द्वारा निर्मित एक और फिल्म भी उसी दिन रिलीज होने वाली थी और चूंकि एक ही कंपनी या निर्माता द्वारा निर्मित कोई भी दो तमिल फिल्मों एक ही तारीख पर नहीं टकराएंगी इसलिए टीम ने रिलीज को 1 मई 2016 तक स्थगित करने की योजना बनाई। आखिरकार दिसंबर 2015 में थानू ने दोनों फिल्मों के बीच रिलीज की तारीखों में बदलाव की घोषणा की, जिसमें थेरी 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। फिल्म दुनिया भर में 1000 से अधिक स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई, जिसमें तमिलनाडु में 350 स्क्रीन, केरल में 200 स्क्रीन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 150 स्क्रीन और कर्नाटक में 70 स्क्रीन शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म को विदेशी केंद्रों के 400 थिएटरों में प्रदर्शित किए गया। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 144 स्क्रीन के साथ सिने गैलेक्सी एक, जिनके संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का वितरण किया था, ने कहा कि यह हाल के वर्षों में किसी विजय फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज है। फिल्म के तमिलनाडु नाटकीय अधिकार 49.40 करोड़ में बेचे गए। एसपीआई सिनेमाज ने चेन्नई शहर के वितरण अधिकार 4.5 करोड़ में हासिल किए और चेंगलपेट क्षेत्र में नाटकीय अधिकार भी बेचे। इम्पॉसिबल फिल्म्स ने इन्हें 9.5 करोड़ में खरीदा। कोयम्बटूर के अधिकार वो 8.5 करोड़ में बेचे गए हैं। मदुरई के वितरण अधिकार इम्पाला थिएटर्स को 6.9 करोड़ में बेचे गए हैं। इसके बाद त्रिची तंजावुर क्षेत्र है, जहां ग्रीन स्क्रीन नारायण स्वामी ने 5.6 करोड़ की राशि में नाटकीय अधिकार हासिल किए हैं। सेवन जी फिल्म्स ने सलीम क्षेत्र के अधिकार 4.6 करोड़ में हासिल कर लिए हैं। डॉक्टर अल्बर्ट ने साउथ आरकोट के अधिकार 3.40 करोड़ में खरीदे हैं और अलंकार थिएटर्स के देवराज ने नॉर्थ आरकोट के अधिकार 3.15 करोड़ में खरीदे हैं। मन्नान फिल्म ने तिरुनेलवेरी और कन्याकुमारी अधिकार 3.25 करोड़ में हासिल कर लिए हैं। कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स द्वारा खरीदे गए। केरल अधिकार फ्राइडे फिल्म हाउस और कार्निवल मोशन पिक्चर्स द्वारा 5.6 करोड़ में खरीदे गए, जो एक गैर मलयालम फिल्म के लिए सबसे अधिक है। दिल राजू की श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में नाटकीय अधिकार खरीदे। टेक्सास स्थित वितरण कंपनी सिने गैलेक्सी इंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 करोड़ में नाटकीय अधिकार हासिल किए। संबंधित विदेशी वितरक है आयंगरन इंटरनेशनल यूरोप और श्रीलंका, एपी इंटरनेशनल सिंगापुर और यूएई, मालिक स्ट्रीम कॉरपोरेशन मलेशिया, सेलियालाइड स्टूडियोस जापान और एमकेएस रिटेल्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लव बंटवारे को लेकर निर्माताओं और वितरकों के बीच मुद्दों के कारण फिल्म को चेंगलपेट के कई सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं किया गया। आखिरकार हाल के वर्षों में बड़े बजट की तमिल फिल्मों के नुकसान के कारण, विशेष रूप से लिंगा 2014 के नुकसान के कारण, वितरक न्यूनतम गारंटी एमजी के आधार पर फिल्म को खरीदने के लिए अनिश्चित थे।
जहां फिल्म को नुकसान उठाना पड़ा था। फिल्म वितरकों को भारी नुकसान। तमिलनाडु थिएटर ओनर्स एसोसिएशन के सचिव पनीर सेल्वम ने थानू पर यह कहते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने फिल्म के लिए अनुचित कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनकर उभरी। इसने 3 SIIA में पुरस्कार, 3 आईफा उत्सव पुरस्कार, 2 आनंद विक्टन सिनेमा पुरस्कार और 64वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में 9 नामांकन जीते। फिल्म को असमिया में रत्नाकर 2019 के रूप में रूपांतरित किया गया था। वर्तमान में इसे विजय के करियर की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म में व्यावसायिक तत्वों और टेलीविज़न चैनलों पर इसके कई बार पूर्ण प्रसारण के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। जोसेफ कुरुविला एक हास्यिक व्यक्ति है जो एक बेकरी चलाते हैं और अपनी 5 वर्षीय बेटी निवेदिता निवी के साथ रहते हैं और वे शांतिपूर्व जीवन जीते हैं। जोसेफ जल्द ही निवी की शिक्षिका एनी से दोस्ती कर लेता है जो उस पर क्रश विकसित करने लगती है। एनी को जल्द ही पता चलता है कि जोसेफ वास्तव में चेन्नई में एक ईमानदार पुलिसकर्मी DCP विजय कुमार है। जब सच्चाई का सामना होता है तो जोसेफ अपने अतीत का खुलासा करता है। अतीत एक रात विजय की मुलाकात एक बड़े व्यक्ति से होती है जो अपने लापता बेटी राजीव को एक IT कर्मचारी है को ढूंढने के लिए शिकायत लेकर आता है, जहां वह मामले की जांच करता है और 10 घंटे के भीतर पता चलता है कि उसकी यौन उत्पादी पीड़न करके हत्या कर दी गई थी। विजय के आगे की जांच उन्हें अश्विन तक ले गई जो श्रम मंत्री वन मामला इलाई के बेटे हैं। राजी की मृत्यु के 3 दिन बाद विजय अश्विन को गिरफ्तार करने के लिए वन मामलाई के घर जाता है, लेकिन वन मामलाई और आयुक्त CV चक्रवर्ती ने उसे सूचित किया कि अश्विन 3 दिनों से लापता है। विजय को अश्विन को ढूंढने का काम सौंपा गया है। वन मामलाई को पता चलता है कि अश्विन की हत्या विजय ने ही की थी, जहां वह अपने बेटे की हत्या के लिए उससे प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। विजय की मुलाकात एक डॉक्टर मिथरा से होती है, जहां अंततः उन्हें प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। फिर उन दोनों के पास नीवी है और वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। दुर्भाग्य से दीपावली की रात वन ममलाई और उसका भाई रत्नम विजय के घर में घुस जा गए, जहां उन्होंने विजय की मां और उसकी पत्नी मिथ्रा को मार डाला और नीवी को डुबाने का भी प्रयास किया। हालांकि घायल मिथ्रा नीवी को बचाता है और विजय को शपथ दिलाता है कि वह अपनी बेटी नीवी को एक अहिंसक व्यक्ति के रूप में बड़ा करेगा और पुलिस बल जोड़ देगा। विजय मिथ्रा की प्रतिज्ञा स्वीकार करता है और नीवी की रक्षा के लिए उसकी मौत का नाटक करता है। विजय एनी से इसे नीवी से गुप्त रखने के लिए कहता है। नीवी के भ्रमण के दौरान वन मामलाई को पता चलता है कि विजय और नीवी जीवित हैं, जहां वह स्कूल बस के ब्रेक को हुए नुकसान का समन्वय करता है, जिसमें नीवी है जिससे बस नदी में गिर गई। एनिंग और स्थानीय लोगों की मदद से विजय नीवी और अन्य बच्चों को बचाने में कामयाब होता है, जहां उसे पता चलता है कि दुर्घटना के पीछे वन मामलाई का हाथ है और वह वन मामलाई के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए अपने पुराने स्वरूप में लौट आता है। विजय चेन्नई लौटता है और इंस्पेक्टर करिकलन को
मार डालता है जो वनमलाई का गुर्गा है और उस रात मौजूद था जब मिथ्रा की हत्या हुई थी। इस समय वनमलाई और रत्नम के बीच अनबन हो जाती है, जहां विजय रत्नम को एक इमारत की 13वीं मंजिल से धक्का देकर मार देता है। अंत में विजय को वनमलाई के गुर्गो द्वारा पकड़ लिया जाता है। केवल उन्हें एहसास होता है कि यह विजय की पकड़ में आने की योजना थी। विजय बाद में वनमलाई और उसके गुर्गो को मार डालता है। हत्याएं जनता के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन शिव चक्रवर्ती को गुप्त रूप से पता है कि विजय जीवित है और उसे पुलिस बल में फिर से नियुक्त किया गया है। कुछ साल बाद विजय बड़ी नीवी और एनी लद्दाख में है। विजय उस जिसने अपनी पहचान बदल कर धर्मेश्वर रखा लिया है, सीबीआई के लिए काम करना जारी रखता है और मिथ्रा की इच्छाओं को भी पूरा करता है। विजय डीसीपीए के रूप में विजय कुमार आईपीएस और मिथ्रा के पति जोसेफ कुरुविला नेवी के पिता धर्मेश्वर समंता रूप प्रभु मिथ्रा विजय की पत्नी और नेवी की मां के रूप में एनी नेवी की शिक्षिका के रूप में एमी जैक्सन रवीना रवि द्वारा डब की गई आवाज़ निवेदिता नेवी विजय और मिथ्रा की बेटी के रूप में नैनिका किशोरी निवेदिता के रूप में दिव्या विजय कैमियो उपस्थिति विजय की मां पप्पू के रूप में राधिका शरत कुमार महेंद्रन वनमलाई के रूप में आयुक्त जी डॉ सी वी चक्रवर्ती के रूप में प्रभु गणेशन पी राजेंद्रन के रूप में राजेंद्रन वनमलाई के छोटे भाई रत्नम के रूप में अजगम पेरमूल गणेश के रूप में काली वेंकट श्री कुमार को एसीपी मनोबाला स्कूल प्रिंसिपल के रूप में एसीपी करिकालन के रूप में स्टन शिवा मित्रा के पिता के रूप में कुमार नटराजन मित्रा की बहन पल्लवी रामकृष्णन के रूप में आयरा मित्रा और पल्लवी की चाची के रूप में निहारिका कल्याणी नटराजन फॉरेंसिक परीक्षक के रूप में विजय की भावी दुल्हन के पिता के रूप में स्वामीनाथन मित्रा की दोस्त के रूप में अमृता अय्यर इसहाक के रूप में सुगुथन प्रीज नीति के चेतन के गुर्गे के रूप में सौंदर राजन कार्तिक के रूप में पुलिस के रूप में साईदीना एक बाल तस्कर चेतन गुर्गे के रूप में बीनिस वास्तिट पांडे कुट्टी के रूप में आर के अभिनव वन मामलाई के गुर्गे के रूप में आत्मा पैट्रिक राजी के रूप में राजी के पिता के रूप में ए आर सी चलादुरई टी मुथुराज चेतन के रूप में कैमियो उपस्थिति सुनैना विजय की भावी दुल्हन के रूप में। जनवरी 2014 में विजय ने अपनी पहली निर्देशक फिल्म राजा रानी 2013 से प्रभावित होने के बाद एटली द्वारा निर्देशित एक परियोजना के साथ काम करने में रुचि व्यक्त की। बाद वाले को भी फिल्म में काम करने की उम्मीद थी क्योंकि वह अभिनेता का प्रशंसक था और उसकी हालिया परियोजनाओं की भी प्रशंसा करता है। बताया गया कि कलाई पुदली एस थानू ने इस परियोजना को वित्त पोषित किया था और इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर 2014 में की गई थी। निर्माताओं ने आगे घोषणा की कि टीम विजय की दूसरी फिल्म पुली 2015 में पूरा होने के बाद ये फिल्मांकन शुरू करेगी, जबकि एटली ने 2014 के अंत तक फिल्म की पटकथा लिखना जारी किया रखा। नवंबर 2014 में जीवी प्रकाश कुमार को थलाइवा और राजा रानी के बाद फिल्म ने से विजय और एटली के साथ सहयोग करने वाले संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एटली की पिछली फिल्म राजा रानी में शामिल कई तकनीकी दल को भी
टीम में शामिल किया गया था, जिसमें सिनेमेटोग्राफर जॉर्ज सी डॉट विलियम्स, संपादक रूबेन और कला निर्देशक टी डॉट मुतुराज शामिल थे। यह फिल्म एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर मानी जा रही है, जहां विजय फिल्म में एक पुलिस अधिकारी और एक पिता की भूमिका निभाएंगे। और बताया गया है कि यह फिल्म क्षत्रिया 1990 से प्रेरित है। नवंबर 2015 के अंत में निर्माताओं ने धारा थेरी को अंतिम रूप देने से पहले फिल्म के लिए मुंडुरु मुंगम, वेट्री थुपाकी खाकी और थुरुमारू सहित कई शीर्षकों पर विचार किया गया था। फिल्म का पहला लुक भी उसी तारीख को जारी किया गया था। समंता रूथ प्रभु और एमी जैक्सन को मुख्य महिला भूमिका निभाने का काम सौंपा गया। घोषणा के तुरंत बाद कई रिपोर्ट सामने आई कि नयनतारा मुख्य भूमिका निभाएंगी। हालांकि जनवरी 2015 में अभिनेत्री ने फिल्म में हिस्सा होने के दावों का खंडन किया। बाद में समंता रूथ प्रभु को मुख्य महिला भूमिका के रूप में घोषित किया गया। एमी जैक्सन भी दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में फिल्म में शामिल हुई। कथित तौर पर फिल्म में उन्हें एक मलयालम भाषी स्कूल शिक्षिका की भूमिका निभाई गई थी। प्रारंभ में टीम ने जैक्सन की भूमिका के लिए कुछ हिंदी अभिनेत्रियों से संपर्क किया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मार्च 2015 में अनुभवी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता राधिका शरत कुमार 27 साल बाद दूसरी बार विजय के साथ काम करते हुए फिल्म में विजय की मां की भूमिका निभाई गई थी। फिल्म में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए टीम ने भारती राजा से संपर्क किया था, लेकिन उनके फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार करने के कारण एटली ने अनुभवी निर्देशक के महेंद्र को प्रतिपक्षी के रूप में चुना। इसी तरह सत्यराज ने भी एक और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संपर्क किया, जिसे उन्हें बाहुबली 2 द कंक्लूजन में अपनी प्राथमिकताओं के कारण अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद प्रभु को यह भूमिका निभानी पड़ी। परियोजना की शुरुआत के दौरान अभिनेत्री मीना की बेटी नैनिका ने अधिकारी के तौर पर फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की, जिससे उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। वह फिल्म में विजय की रियल लाइफ बेटी का किरदार निभाएंगी। सुनैना को भी फिल्म के एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनेत्री अमृता अय्यर समंता की चचेरी बहन की भूमिका में एक अज्ञात भूमिका में दिखाई दी। 26 जून 2015 को चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर केरल क्लब हाउस में एक आधिकारिक लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कलाकारों और चालक दल के कई सदस्य उपस्थित थे। फिल्म का निर्माण जुलाई 2015 और शुरुआत 2015 की शुरुआत में चेन्नई में शुरू हुआ और विजय के लिए एक परिचयात्मक गीत शहर में शूट किया गया था। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रूट पर विजय और समंता के दृश्य दिखाए गए। चेन्नई में आगे के दृश्य आदित्य राम स्टूडियो और बिन्नी मिल्स में फिल्माए गए, जहां कला निर्देशक टी डॉट मुथुराजन ने एक विशाल सेट बनाया था। राधिका भी शूटिंग का हिस्सा थी, जबकि अभिनेत्री सुनैना ने जुलाई के माध्यम में समाप्त हुए शेड्यूल में एक दिन के लिए शूटिंग की। बताया गया कि दूसरा शेड्यूल महीने के अंत में शुरू होने वाला था, लेकिन फिल्म
एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया के खिलाफ तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल द्वारा की गई हड़ताल के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 3 अगस्त 2015 को चेन्नई में फिर से शुरू किया गया, जिसमें विजय और समंता की समंता शूटिंग में शामिल हुए और 25 दिनों तक चले। कुछ दृश्यों की शूटिंग ईस्ट कोस्ट रोड पर MGM डीजी वर्ल्ड में भी की गई। सितंबर 2015 में चेन्नई में एक महीने की लंबी शूटिंग के लिए एक और कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। सितंबर में के माध्यम में टीम ने अनुभवी अभिनेता शिवाजी गणेशन के पैतृक के घर अन्नई इलम में कुछ दृश्यों की शूटिंग की और शूटिंग 2 से 3 दिन तक चली। नवंबर 2015 में यह पता चला कि फिल्म 70% पूरी थी और समंता प्रभु से जुड़े कुछ हिस्सों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। इसके बाद एमी जैक्सन एक नए शेड्यूल के दौरान अपने हिस्से की शूटिंग के लिए चेन्नई में टीम में शामिल हुए। दिलीप सुब्बारायन द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्य पूरे महीने फिल्माए गए। चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण शूटिंग बाधित हुई। हॉलीवुड स्टंट कोरियोग्राफर कलोयान होडेनिचेरोकवन ने फिल्म के क्लाइमेक्स भागों की शूटिंग में मदद करने के लिए दिसंबर 2015 की शूटिंग शुरुआत में टीम को काम किया टीम के साथ काम किया। चीन में खराब जलवायु और परिस्थितियों के कारण टीम को हवा दृश्यों को फिल्माने का विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना। क्लाइमेक्स दृश्यों को शूट करने के लिए चेन्नई की एक फैक्ट्री में सेट लगाए गए थे। दिसंबर 2015 के दौरान कलाकारों को प्रशिक्षित करने और दृश्य को फिल्माने में मदद करने के लिए कालोयान को भर्ती किया गया था। जनवरी 2016 के मध्य में सुब्बारायन के मार्गदर्शन में एक अंडरवाटर स्टंट सीक्वेंस फिल्माया गया था। टीम ने विजय और जैक्सन पर आधारित एक गीत का फिल्मांकन शुरू किया और गीत के पूरा होने के साथ मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो गई। फिल्म का साउंडट्रैक और स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है। विजय और एटली के साथ उनका दूसरा सहयोग होने के अलावा यह फिल्म संगीतकार के रूप में प्रकाश की 50वीं परियोजना भी की थी। परियोजना में शामिल होने के तुरंत बाद प्रकाश ने नवंबर 2014 के दौरान गीतों की रचना शुरू की और जनवरी 2016 के भीतर काम पूरा किया। अपने माइक्रो ब्लॉगिंग पेज में संगीतकार ने कहा कि फिल्म के सभी ट्रैक ट्रेड हुए हैं सेटिंग और इसमें अनुभवी संगीतकार देवा अभिनेता निर्देशक टी डॉट राजेंद्र ओथारा उन्नी कृष्णन और स्वय अभिनेता विजय धारा रिकॉर्ड किए गए गाने शामिल हैं। एल्बम में 7 ट्रैक थे जिनके बोल पुलमाई पीथन ना धारा लिखे गए थे। मुथु कुमार पा डॉट विजय काबिलन रुकेश आर त्यागराजन और अरुण राजा कामराज इसे थिंक म्यूजिक धारा 20 मार्च 2016 को रिलीज किया गया था। यह रिलीज चेन्नई के सत्यम सिनेमा में आयोजित किए गए एक प्रमोशन कार्यक्रम के साथ हुई, जिसमें कलाकार और क्रू की मौजूदगी थी। पूरे गाने के बावजूद हे आसमान नामक एक बोन्स ट्रैक 10 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। 15 जनवरी 2016 को पोंगल के अवसर पर फिल्म को प्रमोशनल चित्र जारी किए गए। आधिकारिक टीजर का अनावरण 5 फरवरी 2016 को किया गया था। टीजर को शुरुआत में
5 फरवरी की आधी रात को अपलोड किया गया था। एक गूम नाम चैनल के कॉपीराइट दावों के बाद हटा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया था। तकनीकी टीम द टीजर को प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों से प्रशंसा मिली और इसके रिलीज होने के 24 घंटे के भीतर 1.5 मिलियन बार देखा गया। फिल्म का प्रचार 14 मार्च 2016 को दौरान शुरू हुआ। टीम ने 20 मार्च को ऑडियो लॉन्च से पहले विशेष पोस्ट जारी किए। इसके रिलीज से एक महीने पहले SPI सिनेमास, जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए थे, ने रिलीज से पहले महीनों पहले सिनेमाघरों में फिल्म की प्री बुकिंग शुरू कर दी थी। प्री बुकिंग सुविधाएं SPI सिनेमास के स्वामित्व वाले थिएटरों से संबंध थी, जिनमें सत्यम स्केल और S2 थिएटर शामिल है। यह बताया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से विजय के प्रशंसकों द्वारा सक्रिय प्रचार, व्यापक प्रचार के साथ प्रचार किया गया था। अभिरामी मल्टीप्लेक्स के प्रबंध निदेशक अभिरामी रामनाथ ने कहा कि रिलीज के पहले 5 दिनों में 6,000 से अधिक टिकट बेचे गए हैं। थेरी को पहले UA प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए 14 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। हालांकि गंभीर हिस्सा और खून खराबे वाले दृश्यों को कम करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा कई कटौती के बाद फिल्म को यू प्रमाण पत्र मिला। इससे पहले जुलाई 2015 में टीम ने स्थायी रूप से 2 रिलीज तिथियां तय की थी, एक पोंगल 15 जनवरी 2016 के अवसर पर और दूसरी गणतंत्र दिवस सप्ताहांत 22 जनवरी 2016 के लिए तय की गई थी। टीम ने फिल्म के जल्दी पूरा होने के आधार पर रिलीज की तारीख की योजना बनाई थी। हालांकि उत्पादन में देरी के कारण टीम को रिलीज की तारीख को तमिल नव वर्ष 14 अप्रैल 2016 तक आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जानबूझकर रजनीकांत स्टारर कबाली ठानू की उनके द्वारा निर्मित एक और फिल्म भी उसी दिन रिलीज होने वाली थी और चूंकि एक ही कंपनी या निर्माता द्वारा निर्मित कोई भी 2 तमिल फिल्मों एक ही तारीख पर नहीं टकराएंगी, इसलिए टीम ने रिलीज को 1 मई 2016 तक स्थगित करने की योजना बनाई। आखिरकार दिसंबर 2015 में थानू ने दोनों फिल्मों के बीच रिलीज की तारीखों में बदलाव की घोषणा की, जिसमें थेरी 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। फिल्म दुनिया भर में 1,000 से अधिक स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई, जिसमें तमिलनाडु में 350 स्क्रीन, केरल में 200 स्क्रीन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 150 स्क्रीन और कर्नाटक में 70 स्क्रीन शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म को विदेशी केंद्रों के 400 थिएटरों में प्रदर्शित किया गया। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 144 स्क्रीन के साथ सिने गैलेक्सी 1, जिनके संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का वितरण किया था, ने कहा कि यह हाल के वर्षों में किसी विजय फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज है। फिल्म के तमिलनाडु नाटकीय अधिकार 49.40 करोड़ में बेचे गए। SPI सिनेमाज ने चेन्नई शहर के वितरण अधिकार 4.5 करोड़ में हासिल किए और चेंगलपेट क्षेत्र में नाटकीय अधिकार भी बेचे।
इम्पॉसिबल फिल्म्स ने इन्हें 9.5 करोड़ में खरीदा। कोयम्बटूर के अधिकार वो 8.5 करोड़ में बेचे गए हैं। मदुरई के वितरण अधिकार इम्पाला थिएटर्स को 6.9 करोड़ में बेचे गए हैं। इसके बाद त्रिची तंजावुर क्षेत्र है जहां ग्रीन स्क्रीन नारायण स्वामी ने 5.6 करोड़ की राशि में नाटकीय अधिकार हासिल किए हैं। 7G फिल्म्स ने सलीम क्षेत्र के अधिकार 4.6 करोड़ में हासिल कर लिए हैं। डॉक्टर अल्बर्ट ने साउथ आरकोट के अधिकार 3.40 करोड़ में खरीदे हैं और अलंकार थिएटर्स के देवराज ने नॉर्थ आरकोट के अधिकार 3.15 करोड़ में खरीदे हैं। मन्नान फिल्म ने तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी अधिकार 3.25 करोड़ में हासिल कर लिए हैं। कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स द्वारा खरीदे गए। केरल अधिकार फ्राइडे फिल्म हाउस और कार्निवल मोशन पिक्चर्स द्वारा 5.6 करोड़ में खरीदे गए, जो एक गैर मलयालम फिल्म के लिए सबसे अधिक है। दिल राजू की श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में नाटकीय अधिकार खरीदे। टेक्सास स्थित वितरण कंपनी सीने गैलेक्सी इंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 करोड़ में नाटकीय अधिकार हासिल किए। संबंधित विदेशी वितरक है आयंगरन इंटरनेशनल यूरोप और श्रीलंका, एपी इंटरनेशनल सिंगापुर और यूएई, मालिक स्ट्रीम कॉरपोरेशन मलेशिया, सेलियालाइड स्टूडियोज जापान और एमकेएस रिटेल्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लव बंटवारे को लेकर निर्माताओं और वितरकों के बीच मुद्दों के कारण फिल्म को चेंगलपेट के कई सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं किया गया। आखिरकार हाल के वर्षों में बड़े बजट की तमिल फिल्मों के नुकसान के कारण, विशेष रूप से लिंगा 2014 के नुकसान के कारण, वितरक न्यूनतम गारंटी MG के आधार पर फिल्म को खरीदने के लिए अनिश्चित थे, जहां फिल्म को नुकसान उठाना पड़ा था। फिल्म वितरकों को भारी नुकसान। तमिलनाडु थिएटर ओनर्स एसोसिएशन के सचिव पनीर सेल्वम ने थानु पर यह कहते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने फिल्म के लिए अनुचित MG दरें मांगी थी। फिल्म जनवरी 2016 में पूरी हो गई। थेरी 14 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी और इसे आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक समीक्षा मिली थी। फिल्म ने 75 करोड़ के बजट के मुकाबले 150 करोड़ की कमाई की और 2016 के दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनकर उभरी। इसने 3 SIIMA पुरस्कार, 3 आईफा उत्सव पुरस्कार, 2 आनंद विक्टन सिनेमा पुरस्कार और 64वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में 9 नामांकन जीते। फिल्म को असमिया में रत्नाकर 2019 के रूप में रूपांतरित किया गया था। वर्तमान में इसे विजय के करियर की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म में व्यावसायिक तत्वों और टेलीविज़न चैनलों पर इसके कई बार पूर्ण प्रसारण के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। जोसेफ कुरोविला एक हसीकक व्यक्ति है जो एक बेकरी चलाते हैं और अपनी 5 वर्षीय बेटी निवेदिता निवी के साथ रहते हैं और वे शांतिपूर्व जीवन जीते हैं। जोसेफ जल्द ही निवी की शिक्षिका एनी से दोस्ती कर लेता है, जो उस पर क्रश विकसित करने लगती है। एनी को जल्द ही पता चलता है कि जोसेफ वास्तव में चेन्नई में एक ईमानदार पुलिसकर्मी DCP विजय कुमार है। जब सच्चाई का सामना होता है
तो जोसेफ अपने अतीत का खुलासा करता है। अतीत एक रात विजय की मुलाकात एक बड़े व्यक्ति से होती है जो अपने लापता बेटी राजीव को एक आईटी कर्मचारी है को ढूंढने के लिए शिकायत लेकर आता है, जहां वह मामले की जांच करता है और 10 घंटे के भीतर पता चलता है कि उसकी यौन उत्पादी पीड़न करके हत्या कर दी गई थी। विजय के आगे की जांच उन्हें अश्विन तक ले गई जो श्रम मंत्री वन मामला इलाई के बेटे हैं। राजी की मृत्यु के 3 दिन बाद विजय अश्विन को गिरफ्तार करने के लिए वन मामलाई के घर जाता है, लेकिन वन मामलाई और आयुक्त सीवी चक्रवर्ती ने उसे सूचित किया कि अश्विन 3 दिनों से लापता है। विजय को अश्विन को ढूंढने का काम सौंपा गया है। वन मामलाई को पता चलता है कि अश्विन की हत्या विजय ने ही की थी, जहां वह अपने बेटे की हत्या के लिए उससे प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। विजय की मुलाकात एक डॉक्टर मिथरा से होती है, जहां अंततः उन्हें प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। फिर उन दोनों के पास नीवी है और वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। दुर्भाग्य से दीपावली की रात वन ममलाई और उसका भाई रत्नम विजय के घर में घुस जा गए, जहां उन्होंने विजय की मां और उसकी पत्नी मिथ्रा को मार डाला और नीवी को डुबाने का भी प्रयास किया। हालांकि घायल मिथ्रा नीवी को बचाता है और विजय को शपथ दिलाता है कि वह अपनी बेटी नीवी को एक अहिंसक व्यक्ति के रूप में बड़ा करेगा और पुलिस बल जोड़ देगा। विजय मिथ्रा की प्रतिज्ञा स्वीकार करता है और नीवी की रक्षा के लिए उसकी मौत का नाटक करता है। विजय एनी से इसे नीवी से गुप्त रखने के लिए कहता है। नीवी के भ्रमण के दौरान वन मामलाई को पता चलता है कि विजय और नीवी जीवित हैं, जहां वह स्कूल बस के ब्रेक को हुए नुकसान का समन्वय करता है, जिसमें नीवी है जिससे बस नदी में गिर गई। एनिंग और स्थानीय लोगों की मदद से विजय नीवी और अन्य बच्चों को बचाने में कामयाब होता है, जहां उसे पता चलता है कि दुर्घटना के पीछे वन मामलाई का हाथ है और वह वन मामलाई के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए अपने पुराने स्वरूप में लौट आता है। विजय चेन्नई लौटता है और इंस्पेक्टर करिकलन को मार डालता है, जो वन मलाई का गुर्गा है और उस रात मौजूद था जब मिथ्रा की हत्या हुई थी। इस समय वन मामलाई और रत्नम के बीच अनबन हो जाती है, जहां विजय रत्नम को एक इमारत की 13वीं मंजिल से धक्का देकर मार देता है। अंत में विजय को वन मामलाई के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। केवल उन्हें एहसास होता है कि यह विजय की पकड़ में आने की योजना थी। विजय बाद में वन मामलाई और उसके गुर्गों को मार डालता है। हत्याएं जनता के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन सीबी चक्रवर्ती को गुप्त रूप से पता है कि विजय जीवित है और उसे पुलिस बल में फिर से नियुक्त किया गया है। कुछ साल बाद विजय बड़ी नीवी और एनी लद्दाख में है। विजय उस जिसने अपनी पहचान बदल कर धर्मेश्वर रखा और लिया है, सीबीआई के लिए काम करना जारी रखता है और मिथ्रा की इच्छाओं को भी पूरा करता है। विजय डीसीपी ए के रूप में विजय कुमार आईपीएस और मिथ्रा के पति जोसेफ कुरुविला नेवी के पिता धर्मेश्वर समंता रूप प्रभु मिथ्रा विजय की पत्नी और नेवी की मां के रूप में एनी नेवी की शिक्षिका के रूप में एमी जैक्सन रवीना रविधारा डब की गई आवाज़ निवेदिता नीवी विजय और मिथ्रा की बेटी के रूप में नैनिका किशोरी निवेदिता
के रूप में दिव्या विजय कैमियो उपस्थिति, विजय की मां पप्पू के रूप में राधिका शरत कुमार, महेंद्रन वन ममलाई के रूप में आयुक्त जी डॉ सी वी चक्रवर्ती के रूप में प्रभु गणेशन, पी राजेंद्रन के रूप में राजेंद्रन, वन ममलाई के छोटे भाई रत्नम के रूप में अजगम पेरमूल, गणेश के रूप में काली वेंकट, श्री कुमार को एसीपी मनोबाला स्कूल प्रिंसिपल के रूप में, एसीपी करिकालन के रूप में स्टन शिवा, मित्रा के पिता के रूप में कुमार नटराजन, मित्रा की बहन पल्लवी रामकृष्णन के रूप में आयरा, मित्रा और पल्लवी की चाची के रूप में निहारिका, कल्याणी नटराजन फॉरेंसिक परीक्षक के रूप में, विजय की भावी दुल्हन के पिता के रूप में स्वामीनाथन, मित्रा की दोस्त के रूप में अमृता अय्यर, इसहाक के रूप में सुगुथन, प्रीज नीति के चेतन के गुर्गे के रूप में सौंदर राजन, कार्तिक के रूप में पुलिस के रूप में साईदीना, एक बाल तस्कर, चेतन गुर्गे के रूप में बीनिस वास्तिट, पांडे कुट्टी के रूप में आर के अभिनव, वन मामलाई के गुर्गे के रूप में आत्मा पैट्रिक, राजी के रूप में राजी के पिता के रूप में ए आर सी चलादुरई, टी मुथुराज, चेतन के रूप में कैमियो उपस्थिति, सुनैना विजय की भावी दुल्हन के रूप में। जनवरी 2014 में विजय ने अपनी पहली निर्देशक फिल्म राजा रानी 2013 से प्रभावित होने के बाद एटली द्वारा निर्देशित एक परियोजना के साथ काम करने में रुचि व्यक्त की। बाद वाले को भी फिल्म में काम करने की उम्मीद थी क्योंकि वह अभिनेता का प्रशंसक था और उसकी हालिया परियोजनाओं की भी प्रशंसा करता है। बताया गया कि कलाई पुदली एस थानू ने इस परियोजना को वित्त पोषित किया था और इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर 2014 में की गई थी। निर्माताओं ने आगे घोषणा की कि टीम विजय की दूसरी फिल्म पुली 2015 में पूरा होने के बाद ये फिल्मांकन शुरू करेगी, जबकि एटली ने 2014 के अंत तक फिल्म की पटकथा लिखना जारी किया रखा। नवंबर 2014 में जीवी प्रकाश कुमार को थलाइवा और राजा रानी के बाद फिल्म ने से विजय और एटली के साथ सहयोग करने वाले संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एटली की पिछली फिल्म राजा रानी में शामिल कई तकनीकी दल को भी टीम में शामिल किया गया था, जिसमें सिनेमेटोग्राफर जॉर्ज सीडर विलियम्स, संपादक रूबेन और कला निर्देशक टी डॉट मुथुराज शामिल थे। यह फिल्म एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर मानी जा रही है, जहां विजय फिल्म में एक पुलिस अधिकारी और एक पिता की भूमिका निभाएंगे। और बताया गया है कि यह फिल्म क्षत्रिया 1990 से प्रेरित है। नवंबर 2015 के अंत में निर्माताओं द्वारा थेरी को अंतिम रूप देने से पहले फिल्म के लिए मुंडुरु मुंगम, वेट्री थुपाकी खाकी और थुरुमारु सहित कई शीर्षकों पर विचार किया गया था। फिल्म का पहला लुक भी उसी तारीख को जारी किया गया था। समंता रूथ प्रभु और एमी जैक्सन को मुख्य महिला भूमिका निभाने का काम सौंपा गया। घोषणा के तुरंत बाद
कई रिपोर्ट सामने आई कि नयनतारा मुख्य भूमिका निभाएंगी। हालांकि जनवरी 2015 में अभिनेत्री ने फिल्म में हिस्सा होने के दावों का खंडन किया। बाद में समंता रूथ प्रभु को मुख्य महिला भूमिका के रूप में घोषित किया गया। एमी जैक्सन भी दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में फिल्म में शामिल हुई। कथित तौर पर फिल्म में उन्हें एक मलयालम भाषी स्कूल शिक्षिका की भूमिका निभाई गई थी। प्रारंभ में टीम ने जैक्सन की भूमिका के लिए कुछ हिंदी अभिनेत्रियों से संपर्क किया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मार्च 2015 में अनुभवी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता राधिका शरत कुमार 27 साल बाद दूसरी बार विजय के साथ काम करते हुए फिल्म में विजय की मां की भूमिका निभाई गई थी। फिल्म में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए टीम ने भारती राजा से संपर्क किया था, लेकिन उनके फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार करने के कारण एटली ने अनुभवी निर्देशक के महेंद्र को प्रतिपक्षी के रूप में चुना। इसी तरह सत्यराज ने भी एक और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संपर्क किया, जिसे उन्हें बाहुबली 2 द कंक्लूजन में अपनी प्राथमिकताओं के लिए के कारण अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद प्रभु को यह भूमिका निभानी पड़ी। परियोजना की शुरुआत के दौरान अभिनेत्री मीना की बेटी नैनिका ने अधिकारी के तौर पर फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की, जिससे उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। वह फिल्म में विजय की रियल लाइफ बेटी का किरदार निभाएंगी सुनैना को भी फिल्म के एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनेत्री अमृता अय्यर समंता की चचेरी बहन की भूमिका में एक अज्ञात भूमिका में दिखाई दी। 26 जून 2015 को चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर केरल क्लब हाउस में एक आधिकारिक लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कलाकारों और चालक दल के कई सदस्य उपस्थित थे। फिल्म का निर्माण जुलाई 2015 और शुरुआत 2015 की शुरुआत में चेन्नई में शुरू हुआ और विजय के लिए एक परिचयात्मक गीत शहर में शूट किया गया था। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रूट पर विजय और समंता के दृश्य दिखाए गए। चेन्नई में आगे के दृश्य आदित्य राम स्टूडियो और बिन्नी मिल्स में फिल्माए गए, जहां कला निर्देशक टी दत्त मुथुराजन ने एक विशाल सेट बनाया था। राधिका भी शूटिंग का हिस्सा थी, जबकि अभिनेत्री सुनैना ने जुलाई के माध्यम में समाप्त हुए शेड्यूल में एक दिन के लिए शूटिंग की। बताया गया कि दूसरा शेड्यूल महीने के अंत में शुरू होने वाला था, लेकिन फिल्म एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया के खिलाफ तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल द्वारा की गई हड़ताल के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 3 अगस्त 2015 को चेन्नई में फिर से शुरू किया गया, जिसमें विजय और समंता शूटिंग में शामिल हुए और 25 दिनों तक चले। कुछ दृश्यों की शूटिंग ईस्ट कोस्ट रोड पर MGM डीजी वर्ल्ड में भी की गई। सितंबर 2015 में चेन्नई में एक महीने की लंबी शूटिंग के लिए एक और कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। सितंबर में के माध्यम में टीम ने अनुभवी अभिनेता शिवाजी गणेशन के पैतृक घर अन्नई इलम में कुछ दृश्यों की शूटिंग की और शूटिंग 2 से 3 दिन तक चली। नवंबर 2015 में यह पता चला कि फिल्म 70% पूरी थी और समंता प्रभु से जुड़े कुछ हिस्सों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। इसके बाद एमी जैक्सन एक नए शेड्यूल के दौरान अपने हिस्से की शूटिंग के लिए
चेन्नई में टीम में शामिल हुए। दिलीप सुब्बारायन द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्य पूरे महीने फिल्माए गए। चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण शूटिंग बाधित हुई। हॉलीवुड स्टंट कोरियोग्राफर कलोयान वोडेनिचेरोकवन ने फिल्म के क्लाइमेक्स भागों की शूटिंग में मदद करने के लिए दिसंबर 2015 की शूटिंग शुरुआत में टीम को काम किया टीम के साथ काम किया। चीन में खराब जलवायु और परिस्थितियों के कारण टीम को हवा दृश्यों को फिल्माने का विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना। क्लाइमेक्स दृश्यों को शूट करने के लिए चेन्नई की एक फैक्ट्री में सेट लगाए गए थे। दिसंबर 2015 के दौरान कलाकारों को प्रशिक्षित करने और दृश्य को फिल्माने में मदद करने के लिए कालोयान को भर्ती किया गया था। जनवरी 2016 के मध्य में सुब्बारायन के मार्गदर्शन में एक अंडरवाटर स्टंट सीक्वेंस फिल्माया गया था। टीम ने विजय और जैक्सन पर आधारित एक गीत का फिल्मांकन शुरू किया और गीत के पूरा होने के साथ मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो गई। फिल्म का साउंडट्रैक और स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है। विजय और एटली के साथ उनका दूसरा सहयोग होने के अलावा यह फिल्म संगीतकार के रूप में प्रकाश की 50वीं परियोजना भी की थी। परियोजना में शामिल होने के तुरंत बाद प्रकाश ने नवंबर 2014 के दौरान गीतों की रचना शुरू की और जनवरी 2016 के भीतर काम पूरा किया। अपने माइक्रो ब्लॉगिंग पेज में संगीतकार ने कहा कि फिल्म के सभी ट्रैक ट्रेड हुए हैं सेटिंग और इसमें अनुभवी संगीतकार देवा, अभिनेता निर्देशक टी डॉट राजेंद्र ओथारा उन्नी कृष्णन और स्वय अभिनेता विजय धारा रिकॉर्ड किए गए गाने शामिल हैं। एल्बम में 7 ट्रैक थे जिनके बोल पुलमाई पीथन ना धारा लिखे गए थे। मुथु कुमार पा डॉट विजय काबिलन रुकेश आर त्यागराजन और अरुण राजा कामराज इसे थिंक म्यूजिक धारा 20 मार्च 2016 को रिलीज किया गया था। यह रिलीज चेन्नई के सत्यम सिनेमा में आयोजित किए एक प्रमोशन कार्यक्रम के साथ हुई जिसमें कलाकार और क्रू की मौजूदगी थी। पूरे गाने के बावजूद हे आसमान नामक एक बोन्स ट्रैक 10 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। 15 जनवरी 2016 को पोंगल के अवसर पर फिल्म को प्रमोशनल चित्र जारी किए गए। आधिकारिक टीजर का अनावरण 5 फरवरी 2016 को किया गया था। टीजर को शुरुआत में 5 फरवरी की आधी रात को अपलोड किया गया था। एक गूम नाम चैनल के कॉपीराइट दावों के बाद हटा दिया गया था लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया था। तकनीकी टीम द टीजर को प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों से प्रशंसा मिली और इसके रिलीज होने के 24 घंटे के भीतर 1.5 मिलियन बार देखा गया। फिल्म का प्रचार 14 मार्च 2016 को दौरान शुरू हुआ। टीम ने 20 मार्च को ऑडियो लॉन्च से पहले विशेष पोस्ट जारी किए। इसके रिलीज से एक महीने पहले SPI सिनेमास जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए थे ने रिलीज से पहले महीनों पहले सिनेमाघरों में फिल्म की प्री बुकिंग शुरू कर दी थी। प्री बुकिंग सुविधाएं SPI सिनेमास के स्वामित्व वाले थिएटरों से संबंध थी जिनमें सत्यम स्केल और S2 थिएटर शामिल है। यह बताया गया है कि
सोशल मीडिया के माध्यम से विजय के प्रशंसकों द्वारा सक्रिय प्रचार, व्यापक प्रचार के साथ प्रचार किया गया था। एबी रामी मल्टीप्लेक्स के प्रबंध निदेशक अभिरामी रामनाथ ने कहा कि रिलीज के पहले 5 दिनों में 6,000 से अधिक टिकट बेचे गए हैं। थेरी को पहले यूए प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए 14 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। हालांकि गंभीर हिस्सा और खून खराबे वाले दृश्यों को कम करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा कई कटौती के बाद फिल्म को यू प्रमाण पत्र मिला। इससे पहले जुलाई 2015 में टीम ने स्थायी रूप से 2 रिलीज तिथियां तय की थी, एक पोंगल 15 जनवरी 2016 के अवसर पर और दूसरी गणतंत्र दिवस सप्ताहांत 22 जनवरी 2016 के लिए तय की गई थी। टीम ने फिल्म के जल्दी पूरा होने के आधार पर रिलीज की तारीख की योजना बनाई थी। हालांकि उत्पादन में देरी के कारण टीम को रिलीज की तारीख को तमिल नव वर्ष 14 अप्रैल 2016 तक आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जानबूझकर रजनीकांत स्टारर कबाली ठानू की उनके द्वारा निर्मित एक और फिल्म भी उसी दिन रिलीज होने वाली थी और चूंकि एक ही कंपनी या निर्माता द्वारा निर्मित कोई भी 2 तमिल फिल्मों एक ही तारीख पर नहीं टकराएंगी, इसलिए टीम ने रिलीज को 1 मई 2016 तक स्थगित करने की योजना बनाई। आखिरकार दिसंबर 2015 में थानू ने दोनों फिल्मों के बीच रिलीज की तारीखों में बदलाव की घोषणा की, जिसमें थेरी 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। फिल्म दुनिया भर में 1,000 से अधिक स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई, जिसमें तमिलनाडु में 350 स्क्रीन, केरल में 200 स्क्रीन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 150 स्क्रीन और कर्नाटक में 70 स्क्रीन शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म को विदेशी केंद्रों के 400 थिएटरों में प्रदर्शित किया गया। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 144 स्क्रीन के साथ सिने गैलेक्सी एक, जिनके संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का वितरण किया था, ने कहा कि यह हाल के वर्षों में किसी विजय फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज है। फिल्म के तमिलनाडु नाटकीय अधिकार 49.40 करोड़ में बेचे गए। एसपीआई सिनेमाज ने चेन्नई शहर के वितरण अधिकार 4.5 करोड़ में हासिल किए और चेंगलपेट क्षेत्र में नाटकीय अधिकार भी बेचे। इम्पॉसिबल फिल्म्स ने इन्हें 9.5 करोड़ में खरीदा। कोयम्बटूर के अधिकार वो 8.5 करोड़ में बेचे गए हैं। मदुरई के वितरण अधिकार इम्पाला थिएटर्स को 6.9 करोड़ में बेचे गए हैं। इसके बाद त्रिची तंजावुर क्षेत्र है, जहां ग्रीन स्क्रीन नारायण स्वामी ने 5.6 करोड़ की राशि में नाटकीय अधिकार हासिल किए हैं। 7G फिल्म्स ने सलीम क्षेत्र के अधिकार 4.6 करोड़ में हासिल कर लिए हैं। डॉक्टर अल्बर्ट ने साउथ आरकोट के अधिकार 3.40 करोड़ में खरीदे हैं और अलंकार थिएटर्स के देवराज ने नॉर्थ आरकोट के अधिकार 3.15 करोड़ में खरीदे हैं। मन्नान फिल्म ने तिरुनेलवेरी और कन्याकुमारी अधिकार 3.25 करोड़ में हासिल कर लिए हैं। कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स द्वारा खरीदे गए। केरल अधिकार फ्राइडे फिल्म हाउस और
कार्निवल मोशन पिक्चर्स द्वारा 5.6 करोड़ में खरीदे गए, जो एक गैर मलयालम फिल्म के लिए सबसे अधिक है। दिल राजू की श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में नाटकीय अधिकार खरीदे। टेक्सास स्थित वितरण कंपनी सीने गैलेक्सी इंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 करोड़ में नाटकीय अधिकार हासिल किए। संबंधित विदेशी वितरक है आयंगरन इंटरनेशनल यूरोप और श्रीलंका, एपी इंटरनेशनल सिंगापुर और यूएई, मालिक स्ट्रीम कॉरपोरेशन मलेशिया, सेलियालाइड स्टूडियोज जापान और एमकेएस रिटेल्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लव बंटवारे को लेकर निर्माताओं और वितरकों के बीच मुद्दों के कारण फिल्म को चेंगलपेट के कई सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं किया गया। आखिरकार हाल के वर्षों में बड़े बजट की तमिल फिल्मों के नुकसान के कारण, विशेष रूप से कि जोसेफ वास्तव में चेन्नई में एक ईमानदार पुलिसकर्मी डीसीपी विजय कुमार है, जब सच्चाई का सामना होता है तो जोसेफ अपने अतीत का खुलासा करता है। अतीत एक रात विजय की मुलाकात एक बड़े व्यक्ति से होती है, जो अपने लापता बेटी राजीव को एक आईटी कर्मचारी है को ढूंढने के लिए शिकायत लेकर आता है, जहां वह मामले की जांच करता है और 10 घंटे के भीतर पता चलता है कि उसकी यौन उत्पादी पीड़न करके हत्या कर दी गई थी। विजय के आगे की जांच उन्हें अश्विन तक ले गई, जो श्रम मंत्री वन मामला इलाई के बेटे हैं। राजी की मृत्यु के 3 दिन बाद विजय अश्विन को गिरफ्तार करने के लिए वन मामलाई के घर जाता है, लेकिन वन मामलाई और आयुक्त सीवी चक्रवर्ती ने उसे सूचित किया कि अश्विन 3 दिनों से लापता है। विजय को अश्विन को ढूंढने का काम सौंपा गया है। वन मामलाई को पता चलता है कि अश्विन की हत्या विजय ने ही की थी, जहां वह अपने बेटे की हत्या के लिए उससे प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। विजय की मुलाकात एक डॉक्टर मिथरा से होती है, जहां अंततः उन्हें प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। फिर उन दोनों के पास नीवी है और वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। दुर्भाग्य से दीपावली की रात वन ममलाई और उसका भाई रत्नम विजय के घर में घुस जा गए, जहां उन्होंने विजय की मां और उसकी पत्नी मिथरा को मार डाला और नीवी को डुबाने का भी प्रयास किया। हालांकि घायल मिथरा नीवी को बचाता है और विजय को शपथ दिलाता है कि वह अपनी बेटी नीवी को एक अहिंसक व्यक्ति के रूप में बड़ा करेगा और पुलिस बल जोड़ देगा। विजय मिथरा की प्रतिज्ञा स्वीकार करता है और नीवी की रक्षा के लिए उसकी मौत का नाटक करता है। विजय एनी से इसे नीवी से गुप्त रखने के लिए कहता है। नीवी के भ्रमण के दौरान वन मामलाई को पता चलता है कि विजय और नीवी जीवित हैं, जहां वह स्कूल बस के ब्रेक को हुए नुकसान का समन्वय करता है, जिसमें नीवी है जिससे बस नदी में गिर गई। एनिंग और स्थानीय लोगों की मदद से विजय नीवी और अन्य बच्चों को बचाने में कामयाब होता है, जहां उसे पता चलता है कि दुर्घटना के पीछे वन मामलाई का हाथ है और वह वन मामलाई के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए अपने पुराने स्वरूप में लौट आता है। विजय चेन्नई लौटता है और इंस्पेक्टर करिकलन को मार डालता है, जो वन मलाई का गुर्गा है और उस रात मौजूद था जब मिथरा की हत्या हुई थी। इस समय वन मामलाई और रत्नम के बीच अनबन हो जाती है,
जहां विजय रत्नम को एक इमारत की 13वीं मंजिल से धक्का देकर मार देता है। अंत में विजय को वन ममलाई के गुर्गो द्वारा पकड़ लिया जाता है। केवल उन्हें एहसास होता है कि यह विजय की पकड़ में आने की योजना थी। विजय बाद में वन ममलाई और उसके गुर्गो को मार डालता है। हत्याएं जनता के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन सीबी चक्रवर्ती को गुप्त रूप से पता है कि विजय जीवित है और उसे पुलिस बल में फिर से नियुक्त किया गया है। कुछ साल बाद विजय बड़ी नीवी और एनी लद्दाख में है। विजय उस जिसने अपनी पहचान बदल कर धर्मेश्वर रखा और लिया है, सीबीआई के लिए काम करना जारी रखता है और मिथरा की इच्छाओं को भी पूरा करता है। विजय डीसीपीए के रूप में विजय कुमार आईपीएस और मित्रा के पति जोसेफ कुरुविला नेवी के पिता धर्मेश्वर समंता रूप प्रभु मित्रा विजय की पत्नी और नेवी की मां के रूप में एनी नेवी की शिक्षिका के रूप में एमी जैक्सन रवीना रवि द्वारा डब की गई आवाज़ निवेदिता नेवी विजय और मित्रा की बेटी के रूप में नैनिका किशोरी निवेदिता के रूप में दिव्या विजय कैमियो उपस्थिति विजय की मां पप्पू के रूप में राधिका शरत कुमार महेंद्रन वन ममलाई के रूप में आयुक्त जी डॉ सी वी चक्रवर्ती के रूप में प्रभु गणेशन पी राजेंद्रन के रूप में राजेंद्रन वन ममलाई के छोटे भाई रत्नम के रूप में अजगम पेरोमूल गणेश के रूप में काली वेंकट श्री कुमार को एसीपी मनोबाला स्कूल प्रिंसिपल के रूप में एसीपी करिकालन के रूप में स्टन शिवा मित्रा के पिता के रूप में कुमार नटराजन मित्रा की बहन पल्लवी रामकृष्णन के रूप में आयरा मित्रा और पल्लवी की चाची के रूप में निहारिका कल्याणी नटराजन फॉरेंसिक परीक्षक के रूप में विजय की भाभी दुल्हन के पिता के रूप में स्वामीनाथन मित्रा की दोस्त के रूप में अमृता अय्यर इसहाक के रूप में सुगुथन प्रीज नीति के चेतन के गुर्गे के रूप में सौंदर राजन कार्तिक के रूप में पुलिस के रूप में साईदीना एक बाल तस्कर चेतन गुर्गे के रूप में बीनिश वास्तित पांडे कुट्टी के रूप में आर के अभिनव वन मामलाई के गुर्गे के रूप में आत्मा पैट्रिक राजी के रूप में राजी के रिपिता के रूप में ए आर सी चलादुरई टी मुथुराज चेतन के रूप में कैमियो उपस्थिति सुनैना विजय की भावी दुल्हन के रूप में। जनवरी 2014 में विजय ने अपनी पहली निर्देशक फिल्म राजा रानी 2013 से प्रभावित होने के बाद एटली द्वारा निर्देशित एक परियोजना के साथ काम करने में रुचि व्यक्त की। बाद वाले को भी फिल्म में काम करने की उम्मीद थी क्योंकि वह अभिनेता का प्रशंसक था और उसकी हालिया परियोजनाओं की भी प्रशंसा करता है। बताया गया कि कलाई पुदली एस थानू ने इस परियोजना को वित्त पोषित किया था और इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर 2014 में की गई थी। निर्माताओं ने आगे घोषणा की कि टीम विजय की दूसरी फिल्म पुली 2015 में पूरा होने के बाद ये फिल्मांकन शुरू करेगी, जबकि एटली ने 2014 के अंत तक फिल्म की पटकथा लिखना जारी किया रखा। नवंबर 2014 में जीवी प्रकाश कुमार को थलाइवा और राजा रानी के बाद फिल्म ने से विजय और एटली के साथ सहयोग करने वाले संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एटली की पिछली फिल्म राजा रानी में शामिल कई तकनीकी दल को भी टीम में शामिल किया गया था, जिसमें सिनेमेटोग्राफर जॉर्ज सीडट विलियम्स संपादक रूबेन और कला निर्देशक टी डॉट मुथुराज शामिल थे।
यह फिल्म एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर मानी जा रही है, जहां विजय फिल्म में एक पुलिस अधिकारी और एक पिता की भूमिका निभाएंगे। और बताया गया है कि यह फिल्म छत्रिया 1990 से प्रेरित है। नवंबर 2015 के अंत में निर्माताओं धारा थेरी को अंतिम रूप देने से पहले फिल्म के लिए मुंडुरु मुंगम वेट्री थुपाकी खाकी और थुरुमारु सहित कई शीर्षकों पर विचार किया गया था। फिल्म का पहला लुक भी उसी तारीख को जारी किया गया था। समंता रूत प्रभु और एमी जैक्सन को मुख्य महिला भूमिका निभाने का काम सौंपा गया। घोषणा के तुरंत बाद कई रिपोर्ट सामने आई कि नयनतारा मुख्य भूमिका निभाएंगी। हालांकि जनवरी 2015 में अभिनेत्री ने फिल्म में हिस्सा होने के दावों का खंडन किया। बाद में समंता रूत प्रभु को मुख्य महिला भूमिका के रूप में घोषित किया गया। एमी जैक्सन भी दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में फिल्म में शामिल हुई। कथित तौर पर फिल्म में उन्हें एक मलयालम भाषी स्कूल शिक्षिका की भूमिका निभाई गई थी। प्रारंभ में टीम ने जैक्सन की भूमिका के लिए कुछ हिंदी अभिनेत्रियों से संपर्क किया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मार्च 2015 में अनुभवी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता राधिका शरत कुमार 27 साल बाद दूसरी बार विजय के साथ काम करते हुए फिल्म में विजय की मां की भूमिका निभाई गई थी। फिल्म में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए टीम ने भारती राजा से संपर्क किया था, लेकिन उनके फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार करने के कारण एटली ने अनुभवी निर्देशक महेंद्र को प्रतिपक्षी के रूप में चुना। इसी तरह सत्यराज ने भी एक और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संपर्क किया, जिसे उन्हें बाहुबली 2 द कंक्लूजन में अपनी प्राथमिकताओं के कारण अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद प्रभु को यह भूमिका निभानी पड़ी। परियोजना की शुरुआत के दौरान अभिनेत्री मीना की बेटी नैनिका ने अधिकारी के तौर पर फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की, जिससे उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। वह फिल्म में विजय की रियल लाइफ बेटी का किरदार निभाएंगी। सुनैना को भी फिल्म के एक विस्तारित कैमियो भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनेत्री अमृता अय्यर समंता की चचेरी बहन की भूमिका में एक अज्ञात भूमिका में दिखाई दी। 26 जून 2015 को चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर केरल क्लब हाउस में एक आधिकारिक लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कलाकारों और चालक दल के कई सदस्य उपस्थित थे। फिल्म का निर्माण जुलाई 2015 और शुरुआत में चेन्नई में शुरू हुआ और विजय के लिए एक परिचयात्मक गीत शहर में शूट किया गया था। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रूट पर विजय और समंता के दृश्य दिखाए गए। चेन्नई में आगे के दृश्य आदित्य राम स्टूडियो और बिन्नी मिल्स में फिल्माए गए, जहां कला निर्देशक टी दत्त मुथुराजन ने एक विशाल सेट बनाया था। राधिका भी शूटिंग का हिस्सा थी, जबकि अभिनेत्री सुनैना ने जुलाई के माध्यम में समाप्त हुए शेड्यूल में एक दिन के लिए शूटिंग की। बताया गया कि दूसरा शेड्यूल महीने के अंत में शुरू होने वाला था, लेकिन फिल्म एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया के खिलाफ तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल द्वारा की गई हड़ताल के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई।
फिल्म का दूसरा शेड्यूल 3 अगस्त 2015 को चेन्नई में फिर से शुरू किया गया, जिसमें विजय और समंता शूटिंग में शामिल हुए और 25 दिनों तक चले। कुछ दृश्यों की शूटिंग ईस्ट कोस्ट रोड पर MGM डीजी वर्ल्ड में भी की गई। सितंबर 2015 में चेन्नई में एक महीने की लंबी छुट्टी शूटिंग के लिए एक और कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। सितंबर में के माध्यम में टीम ने अनुभवी अभिनेता शिवाजी गणेशन के पैतृक घर अन्नईलम में कुछ दृश्यों की शूटिंग की और शूटिंग 2 से 3 दिन तक चली। नवंबर 2015 में यह पता चला कि फिल्म 70% पूरी थी और समंता प्रभु से जुड़े कुछ हिस्सों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। इसके बाद एमी जैक्सन एक नए शेड्यूल के दौरान अपने हिस्से की शूटिंग के लिए चेन्नई में टीम में शामिल हुए। दिलीप सुब्बारायन द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्य पूरे महीने फिल्माए गए। चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण शूटिंग बाधित हुई। हॉलीवुड स्टंट कोरियोग्राफर कलोयान होडेनिचेरोकवन ने फिल्म के क्लाइमेक्स भागों की शूटिंग में मदद करने के लिए दिसंबर 2015 की शूटिंग शुरुआत में टीम को काम किया टीम के साथ काम किया। चीन में खराब जलवायु और परिस्थितियों के कारण टीम को हवा दृश्यों को फिल्माने का विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना। क्लाइमेक्स दृश्यों को शूट करने के लिए चेन्नई की एक फैक्ट्री में सेट लगाए गए थे। दिसंबर 2015 के दौरान कलाकारों को प्रशिक्षित करने और दृश्य को फिल्माने में मदद करने के लिए कालोयान को भर्ती किया गया था। जनवरी 2016 के मध्य में सुब्बारायन के मार्गदर्शन में एक अंडरवाटर स्टंट सीक्वेंस फिल्माया गया था। टीम ने विजय और जैक्सन पर आधारित एक गीत का फिल्मांकन शुरू किया और गीत के पूरा होने के साथ मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो गई। फिल्म का साउंडट्रैक और स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है। विजय और एटली के साथ उनका दूसरा सहयोग होने के अलावा यह फिल्म संगीतकार के रूप में प्रकाश की 50वीं परियोजना भी थी। परियोजना में शामिल होने के तुरंत बाद प्रकाश ने नवंबर 2014 के दौरान गीतों की रचना शुरू की और जनवरी 2016 के भीतर काम पूरा किया। अपने माइक्रो ब्लॉगिंग पेज में संगीतकार ने कहा कि फिल्म के सभी ट्रैक ट्रेड हुए हैं सेटिंग और इसमें अनुभवी संगीतकार देवा अभिनेता निर्देशक टी डॉट राजेंद्र ओथारा उन्नी कृष्णन और स्वय अभिनेता विजय धारा रिकॉर्ड किए गए गाने शामिल हैं। एल्बम में 7 ट्रैक थे जिनके बोल पुलमाई पीथन ना धारा लिखे गए थे। मुथु कुमार पाडट विजय काबिलन रुकेश आर त्यागराजन और अरुण राजा कामराज इसे थिंक म्यूजिक धारा 20 मार्च 2016 को रिलीज किया गया था। यह रिलीज चेन्नई के सत्यम सिनेमा में आयोजित किए एक प्रमोशन कार्यक्रम के साथ हुई, जिसमें कलाकार और क्रू की मौजूदगी थी। पूरे गाने के बावजूद हे आसमान नामक एक बोन्स ट्रैक 10 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। 15 जनवरी 2016 को पोंगल के अवसर पर फिल्म को प्रमोशनल चित्र जारी किए गए। आधिकारिक टीजर का अनावरण 5 फरवरी 2016 को किया गया था। टीजर को शुरुआत में 5 फरवरी की आधी रात को अपलोड किया गया था। एक गुम नाम चैनल के कॉपीराइट दावों के बाद
हटा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया था। तकनीकी टीम द टीजर को प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों से प्रशंसा मिली और इसके रिलीज होने के 24 घंटे के भीतर 1.5 मिलियन बार देखा गया। फिल्म का प्रचार 14 मार्च 2016 के दौरान शुरू हुआ। टीम ने 20 मार्च को ऑडियो लॉन्च से पहले विशेष पोस्ट जारी किए। इसके रिलीज से एक महीने पहले एसपीआई सिनेमास, जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए थे, ने रिलीज से पहले महीनों पहले सिनेमाघरों में फिल्म की प्री बुकिंग शुरू कर दी थी। प्री बुकिंग सुविधाएं एसपीआई सिनेमास के स्वामित्व वाले थिएटरों से संबंध थी, जिनमें सत्यम स्केप और S2 थिएटर शामिल है। यह बताया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से विजय के प्रशंसकों द्वारा सक्रिय प्रचार, व्यापक प्रचार के साथ प्रचार किया गया था। एबी रामी मल्टीप्लेक्स के प्रबंध निदेशक अभिरामी रामनाथ ने कहा कि रिलीज के पहले 5 दिनों में 6,000 से अधिक टिकट बेचे गए हैं। थेरी को पहले यूए प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए 14 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। हालांकि गंभीर हिस्सा और खून खराबे वाले दृश्य को कम करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा कई कटौती के बाद फिल्म को यू प्रमाण पत्र मिला। इससे पहले जुलाई 2015 में टीम ने स्थायी रूप से 2 रिलीज तिथियां तय की थी, एक पोंगल 15 जनवरी 2016 के अवसर पर और दूसरी गणतंत्र दिवस सप्ताहांत 22 जनवरी 2016 के लिए तय की गई थी। टीम ने फिल्म के जल्दी पूरा होने के आधार पर रिलीज की तारीख की योजना बनाई थी। हालांकि उत्पादन में देरी के कारण टीम को रिलीज की तारीख को तमिल नव वर्ष 14 अप्रैल 2016 तक आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जानबूझकर रजनीकांत स्टारर कबाली थानू की उनके द्वारा निर्मित एक और फिल्म भी उसी दिन रिलीज होने वाली थी और चूंकि एक ही कंपनी या निर्माता द्वारा निर्मित कोई भी 2 तमिल फिल्मों एक ही तारीख पर नहीं टकराएंगी, इसलिए टीम ने रिलीज को 1 मई 2016 तक स्थगित करने की योजना बनाई। आखिरकार दिसंबर 2015 में थानू ने दोनों फिल्मों के बीच रिलीज की तारीखों में बदलाव की घोषणा की, जिसमें थेरी 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। फिल्म दुनिया भर में 1,000 से अधिक स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई, जिसमें तमिलनाडु में 350 स्क्रीन, केरल में 200 स्क्रीन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 150 स्क्रीन और कर्नाटक में 70 स्क्रीन शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म को विदेशी केंद्रों के 400 थिएटरों में प्रदर्शित किए गया। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 144 स्क्रीन के साथ सिने गैलेक्सी एक, जिनके संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का वितरण किया था, ने कहा कि यह हाल के वर्षों में किसी विजय फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज है। फिल्म के तमिलनाडु नाटकीय अधिकार 49.40 करोड़ में बेचे गए। एसपीआई सिनेमाज ने चेन्नई शहर के वितरण अधिकार 4.5 करोड़ में हासिल किए और चेंगलपेट क्षेत्र में नाटकीय अधिकार भी बेचे। इम्पॉसिबल फिल्म्स ने इन्हें 9.5 करोड़ में खरीदा। कोयम्बटूर के अधिकार वो 8.5 करोड़ में बेचे गए हैं। मदुरई के वितरण अधिकार इम्पाला
थिएटर्स को 6.9 करोड़ में बेचे गए हैं। इसके बाद त्रिची तंजावुर क्षेत्र है जहां ग्रीन स्क्रीन नारायण स्वामी ने 5.6 करोड़ की राशि में नाटकीय अधिकार हासिल किए हैं। 7G फिल्म्स ने सलीम क्षेत्र के अधिकार 4.6 करोड़ में हासिल कर लिए हैं। डॉक्टर अल्बर्ट ने साउथ आरकोट के अधिकार 3.40 करोड़ में खरीदे हैं और अलंकार थिएटर्स के देवराज ने नॉर्थ आरकोट के अधिकार 3.15 करोड़ में खरीदे हैं। मन्नान फिल्म ने तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी अधिकार 3.25 करोड़ में हासिल कर लिए हैं। कर्नाटक नाट्य अधिकार गोल्डी फिल्म्स द्वारा खरीदे गए। केरल अधिकार फ्राइडे फिल्म हाउस और कार्निवल मोशन पिक्चर्स द्वारा 5.6 करोड़ में खरीदे गए, जो एक गैर मलयालम फिल्म के लिए सबसे अधिक है। दिल राजू की श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्रों में नाटकीय अधिकार खरीदे। टेक्सास स्थित वितरण कंपनी सीने गैलेक्सी इंक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 करोड़ में नाटकीय अधिकार हासिल किए। संबंधित विदेशी वितरक है आयंगरन इंटरनेशनल यूरोप और श्रीलंका, एपी इंटरनेशनल सिंगापुर और यूएई, मालिक स्ट्रीम कॉरपोरेशन मलेशिया, सेलियालाइड स्टूडियोस जापान और एमकेएस रिटेल्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लव बंटवारे को लेकर निर्माताओं और वितरकों के बीच मुद्दों के कारण फिल्म को चेंगलपेट के कई सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं किया गया। इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। जोसेफ कुरोविला एक हसीकक व्यक्ति है जो एक बेकरी चलाते हैं और अपनी 5 वर्षीय बेटी निवेदिता नीवी के साथ रहते हैं और वे शांतिपूर्व जीवन जीते हैं। जोसेफ जल्द ही नीवी की शिक्षिका एनी से दोस्ती कर लेता है जो उस पर क्रश विकसित करने लगती है। एनी को जल्द ही पता चलता है कि जोसेफ वास्तव में चेन्नई में एक ईमानदार पुलिसकर्मी डीसीपी विजय कुमार है। जब सच्चाई का सामना होता है तो जोसेफ अपने अतीत का खुलासा करता है। अतीत एक रात विजय की मुलाकात एक बड़े व्यक्ति से होती है जो अपने लापता बेटी राजीव को एक आईटी कर्मचारी है को ढूंढने के लिए शिकायत लेकर आता है, जहां वह मामले की जांच करता है और 10 घंटे के भीतर पता चलता है कि उसकी यौन उत्पादी पीड़न करके हत्या कर दी गई थी। विजय के आगे की जांच उन्हें अश्विन तक ले गई जो श्रम मंत्री वन मामला इलाई के बेटे हैं। राजी की मृत्यु के 3 दिन बाद विजय अश्विन को गिरफ्तार करने के लिए वन मामलाई के घर जाता है, लेकिन वन मामलाई और आयुक्त सीवी चक्रवर्ती ने उसे सूचित किया कि अश्विन 3 दिनों से लापता है। विजय को अश्विन को ढूंढने का काम सौंपा गया है। वन मामलाई को पता चलता है कि अश्विन की हत्या विजय ने ही की थी, जहां वह अपने बेटे की हत्या के लिए उससे प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। विजय की मुलाकात एक डॉक्टर मिथरा से होती है जहां अंततः उन्हें प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। फिर उन दोनों के पास नीवी है और वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। दुर्भाग्य से दीपावली की रात वन ममलाई और उसका भाई रत्नम विजय के घर में घुस जा गए, जहां उन्होंने विजय की मां और उसकी पत्नी मिथरा को मार डाला और नीवी को डुबाने का भी प्रयास किया। हालांकि घायल मिथरा नीवी को बचाता है और विजय को शपथ दिलाता है कि वह अपनी बेटी नीवी को एक अहिंसक व्यक्ति के रूप में बड़ा करेगा और पुलिस बल जोड़ देगा।
विजय मिथ्रा की प्रतिज्ञा स्वीकार करता है और नेवी की रक्षा के लिए उसकी मौत का नाटक करता है। विजय एनी वर्तमान विषय एनी से इसे नेवी से गुप्त रखने के लिए कहता है। नेवी के भ्रमण के दौरान वन मामलाई को पता चलता है कि विजय और नेवी जीवित हैं, जहां वह स्कूल बस के ब्रेक को हुए नुकसान का समन्वय करता है, जिसमें नेवी है जिससे बस नदी में गिर गई। एनी और स्थानीय लोगों की मदद से विजय नेवी और अन्य बच्चों को बचाने में कामयाब होता है, जहां उसे पता चलता है कि दुर्घटना के पीछे वन मामलाई का हाथ है और वह वन मामलाई के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए अपने पुराने स्वरूप में लौट आता है। विजय चेन्नई लौटता है और इंस्पेक्टर करिकलन को मार डालता है, जो वन मलाई का गुर्गा है और उस रात मौजूद था जब मिथ्रा की हत्या हुई थी। इस समय वन मलाई और रत्नम के बीच अनबन हो जाती है, जहां विजय रत्नम को एक इमारत की 13वीं मंजिल से धक्का देकर मार देता है। अंत में विजय को वन मलाई के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। केवल उन्हें एहसास होता है कि यह विजय की पकड़ में आने की योजना थी। विजय बाद में वन मामलाई और उसके गुर्गों को मार डालता है। हत्याएं जनता के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन सीबी चक्रवर्ती को गुप्त रूप से पता है कि विजय जीवित है और उसे पुलिस बल में फिर से नियुक्त किया गया है। कुछ साल बाद विजय बड़ी नेवी और एनी लद्दाख में है। विजय उस जिसने अपनी पहचान बदल कर धर्मेश्वर रखा और लिया है, सीबीआई के लिए काम करना जारी रखता है और मिथ्रा की इच्छाओं को भी पूरा करता है। विजय डीसीपीए के रूप में विजय कुमार आईपीएस और मिथ्रा के पति जोसेफ कुरुविला नेवी के पिता धर्मेश्वर समंतारूत प्रभु मिथ्रा विजय की पत्नी और नेवी की माँ के रूप में एनी नेवी की शिक्षिका के रूप में एमी जैक्सन रवीना रविधारा डब की गई आवाज़ निवेदिता नेवी विजय और मिथ्रा की बेटी के रूप में नैनिका किशोरी निवेदिता के रूप में दिव्य विजय केमी उपस्थिति विजय की माँ पप्पू के रूप में राधिका शरत कुमार महेंद्रन वन मामलाई के रूप में आयुक्त जी डॉ सी वी चक्रवर्ती के रूप में प्रभु गणेशन पी राजेंद्रन के रूप में राजेंद्रन वन मामलाई के छोटे भाई रत्नम के रूप में अजगम पेरोमूल गणेश के रूप में काली वेंकट श्री कुमार को एसीपी मनोबाला स्कूल प्रिंसिपल के रूप में एसीपी करिकालन के रूप में स्टन शिवा मित्रा के पिता के रूप में कुमार नटराजन मित्रा की बहन पल्लवी रामकृष्णन के रूप में आयरा मित्रा और पल्लवी की चाची के रूप में निहारिका कल्याणी नटराजन फॉरेंसिक परीक्षक के रूप में विजय की भाभी दुल्हन के पिता के रूप में स्वामीनाथन मित्रा की दोस्त के रूप में अमृता अय्यर इसहाक के रूप में सुगुथन प्रीज नीति के चेतन के गुर्गे के रूप में सौंदर राजन कार्तिक के रूप में पुलिस के रूप में साईदीना एक बाल तस्कर चेतन गुर्गे के रूप में बीनिस वास्तिट पांडे कुट्टी के रूप में आर के अभिनव वन मामलाई के गुर्गे के रूप में आत्मा पैट्रिक राजी के रूप में राजी के रिपिता के रूप में ए आर सी चलादुरई टी मुथुराज चेतन के रूप में कैमियो उपस्थिति सुनैना विजय की भावी दुल्हन के रूप में। जनवरी 2014 में विजय ने अपनी पहली निर्देशक फिल्म राजा रानी 2013 से प्रभावित होने के बाद एटली द्वारा निर्देशित एक परियोजना के साथ काम करने में रुचि व्यक्त की। बाद वाले को भी फिल्म में
काम करने की उम्मीद थी क्योंकि वह अभिनेता का प्रशंसक था और उसकी हालिया परियोजनाओं की भी प्रशंसा करता है। बताया गया कि कलाईपुली एस थानू ने इस परियोजना को वित्त पोषित किया था और इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर 2014 में की गई थी। निर्माताओं ने आगे घोषणा की कि टीम विजय की दूसरी फिल्म पुली 2015 में पूरा होने के बाद ये फिल्मांकन शुरू करेगी, जबकि एटली ने 2014 के अंत तक फिल्म की पटकथा लिखना जारी किया रखा। नवंबर 2014 में जीवी प्रकाश कुमार को थलाइवा और राजा रानी के बाद फिल्म ने से विजय और एटली के साथ सहयोग करने वाले संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एटली की पिछली फिल्म राजा रानी में शामिल कई तकनीकी दल को भी टीम में शामिल किया गया था, जिसमें सिनेमेटोग्राफर जॉर्ज सीडट विलियम्स, संपादक रूबेन और कला निर्देशक टी डॉट मुतुराज शामिल थे। यह फिल्म एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर मानी जा रही है, जहां विजय फिल्म में एक पुलिस अधिकारी और एक पिता की भूमिका निभाएंगे। और बताया गया है कि यह फिल्म छत्रिया 1990 से प्रेरित है। नवंबर 2015 के अंत में निर्माताओं धारा थेरी को अंतिम रूप देने से पहले फिल्म के लिए मुंडुरु मुंगम, वेट्री थुपाकी खाकी और थुरुमारु सहित कई शीर्षकों पर विचार किया गया था। फिल्म का पहला लुक भी उसी तारीख को जारी किया गया था। समंता रूत प्रभु और एमी जैक्सन को मुख्य महिला भूमिका निभाने का काम सौंपा गया। घोषणा के तुरंत बाद कई रिपोर्ट सामने आई कि नयनतारा मुख्य भूमिका निभाएंगी। हालांकि जनवरी 2015 में अभिनेत्री ने फिल्म में हिस्सा होने के दावों का खंडन किया। बाद में समंता रूत प्रभु को मुख्य महिला भूमिका के रूप में घोषित किया गया। एमी जैक्सन भी दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में फिल्म में शामिल हुई। कथित तौर पर फिल्म में उन्हें एक मलयालम भाषी स्कूल शिक्षिका की भूमिका निभाई गई थी। प्रारंभ में टीम ने जैक्सन की भूमिका के लिए कुछ हिंदी अभिनेत्रियों से संपर्क किया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मार्च 2015 में अनुभवी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता राधिका शरत कुमार 27 साल बाद दूसरी बार विजय के साथ काम करते हुए फिल्म में विजय की मां की भूमिका निभाई गई थी। फिल्म में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए टीम ने भारती राजा से संपर्क किया था, लेकिन उनके फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार करने के कारण एटली ने अनुभवी निर्देशक महेंद्र को प्रतिपक्षी के रूप में चुना। इसी तरह सत्यराज ने भी एक और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संपर्क किया, जिसे उन्हें बाहुबली 2 द कंक्लूजन में अपनी प्राथमिकताओं के कारण अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद प्रभु को यह भूमिका निभानी पड़ी। परियोजना की शुरुआत के दौरान अभिनेत्री मीना की बेटी नैनिका ने अधिकारी के तौर पर फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की, जिससे उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। वह फिल्म में विजय की रियल लाइफ बेटी का किरदार निभाएंगी। सुनैना को भी फिल्म के एक विस्तारी कैमियो भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनेत्री अमृता अय्यर समंता की चचेरी बहन की भूमिका में एक अज्ञात भूमिका में दिखाई दी। 26 जून 2015 को चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर केरल क्लब हाउस में एक आधिकारिक लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कलाकारों और चालक दल के कई
सदस्य उपस्थित थे। फिल्म का निर्माण जुलाई 2015 और शुरुआत 2015 की शुरुआत में चेन्नई में शुरू हुआ और विजय के लिए एक परिचयात्मक गीत शहर में शूट किया गया था। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रूट पर विजय और समंथा के दृश्य दिखाए गए। चेन्नई में आगे के दृश्य आदित्य राम स्टूडियो और बिन्नी मिल्स में फिल्माए गए, जहां कला निर्देशक टी दत्त मुथुराजन ने एक विशाल सेट बनाया था। राधिका भी शूटिंग का हिस्सा थी, जबकि अभिनेत्री सुनैना ने जुलाई के माध्यम में समाप्त हुए शेड्यूल में एक दिन के लिए शूटिंग की। बताया गया कि दूसरा शेड्यूल महीने के अंत में शुरू होने वाला था, लेकिन फिल्म एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया के खिलाफ तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल द्वारा की गई हड़ताल के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 3 अगस्त 2015 को चेन्नई में फिर से शुरू किया गया, जिसमें विजय और समंता शूटिंग में शामिल हुए और 25 दिनों तक चले। कुछ दृश्यों की शूटिंग ईस्ट कोस्ट रोड पर एमजीएम डीजी वर्ल्ड में भी की गई। सितंबर 2015 में चेन्नई में एक महीने की लंबी छुट्टी शूटिंग के लिए एक और कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। सितंबर में के माध्यम में टीम ने अनुभवी अभिनेता शिवाजी गणेशन के पैतृक घर अन्नय इलम में कुछ दृश्यों की शूटिंग की और शूटिंग 2 से 3 दिन तक चली। नवंबर 2015 में यह पता चला कि फिल्म 70% पूरी थी और समंता प्रभु से जुड़े कुछ हिस्सों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। इसके बाद एमी जैक्सन एक नए शेड्यूल के दौरान अपने हिस्से की शूटिंग के लिए चेन्नई में टीम में शामिल हुए। दिलीप सुब्बारायन द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्य पूरे महीने फिल्माए गए। चेन्नई में भारी बाढ़ के कारण शूटिंग बाधित हुई। हॉलीवुड स्टंट कोरियोग्राफर कलोयान होडेनिचेरोकवन ने फिल्म के क्लाइमेक्स भागों की शूटिंग में मदद करने के लिए दिसंबर 2015 की शूटिंग शुरुआत में टीम को काम किया टीम के साथ काम किया। चीन में खराब जलवायु और परिस्थितियों के कारण टीम को हवा दृश्यों को फिल्माने का विचार छोड़ना पड़ा और इसके बजाय बैंकॉक में शूटिंग करने का विकल्प चुना। क्लाइमेक्स दृश्यों को शूट करने के लिए चेन्नई की एक फैक्ट्री में सेट लगाए गए थे। दिसंबर 2015 के दौरान कलाकारों को प्रशिक्षित करने और दृश्य को फिल्माने में मदद करने के लिए कालोयान को भर्ती किया गया था। जनवरी 2016 के माध्यम में सुब्बारायन के मार्गदर्शन में एक अंडरवाटर स्टंट सीक्वेंस फिल्माया गया था। टीम ने विजय और जैक्सन पर आधारित एक गीत का फिल्मांकन शुरू किया और गीत के पूरा होने के साथ मुख्य फोटोग्राफी पूरी हो गई। फिल्म का साउंडट्रैक और स्कोर जीवी प्रकाश कुमार द्वारा रचित है। विजय और एटली के साथ उनका दूसरा सहयोग होने के अलावा यह फिल्म संगीतकार के रूप में प्रकाश की 50वीं परियोजना भी थी। परियोजना में शामिल होने के तुरंत बाद प्रकाश ने नवंबर 2014 के दौरान गीतों की रचना शुरू की और जनवरी 2016 के भीतर काम पूरा किया। अपने माइक्रो ब्लॉगिंग पेज में संगीतकार ने कहा कि फिल्म के सभी ट्रैक ट्रेड हुए हैं सेटिंग और इसमें अनुभवी संगीतकार देवा अभिनेता निर्देशक टी डॉट राजेंद्र ओथारा उन्नी कृष्णन और स्वय अभिनेता विजय द्वारा रिकॉर्ड किए गए गाने
शामिल है। एल्बम में 7 ट्रैक थे जिनके बोल पुलमाई पिथन ना धारा लिखे गए थे। मुथु कुमार पारट विजय काबिलन रुकेश आर त्यागराजन और अरुण राजा कामराज इसे थिंक म्यूजिक धारा 20 मार्च 2016 को रिलीज किया गया था। यह रिलीज चेन्नई के सत्यम सिनेमा में आयोजित एक प्रमोशन कार्यक्रम के साथ हुई जिसमें कलाकार और क्रू की मौजूदगी थी। पूरे गाने के बावजूद हे आसमान नामक एक बोन्स ट्रैक 10 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। 15 जनवरी 2016 को पोंगल के अवसर पर फिल्म को प्रमोशनल चित्र जारी किए गए। आधिकारिक टीजर का अनावरण 5 फरवरी 2016 को किया गया था। टीजर को शुरुआत में 5 फरवरी की आधी रात को अपलोड किया गया था। एक गूम नाम चैनल के कॉपीराइट दावों के बाद हटा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया था। तकनीकी टीम द टीजर को प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों से प्रशंसा मिली और इसके रिलीज होने के 24 घंटे के भीतर 1.5 मिलियन बार देखा गया। फिल्म का प्रचार 14 मार्च 2016 को दौरान शुरू हुआ। टीम ने 20 मार्च को ऑडियो लॉन्च से पहले विशेष पोस्ट जारी किए। इसके रिलीज से एक महीने पहले SPI सिनेमास जिसने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल किए थे ने रिलीज से पहले महीनों पहले सिनेमाघरों में फिल्म की प्री बुकिंग शुरू कर दी थी। प्री बुकिंग सुविधाएं SPI सिनेमास के स्वामित्व वाले थिएटरों से संबंध थी जिनमें सत्यम स्केप और S2 थिएटर शामिल है। यह बताया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से विजय के प्रशंसकों द्वारा सक्रिय प्रचार व्यापक प्रचार के साथ प्रचार किया गया था। AB रामी मल्टीप्लेक्स के प्रबंध निदेशक अभिरामी रामनाथ ने कहा कि रिलीज के पहले 5 दिनों में 6000 से अधिक टिकट बेचे गए हैं। थेरी को पहले UA प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए 14 अप्रैल 2016 को रिलीज किया गया था। हालांकि गंभीर हिस्सा और खून खराबे वाले दृश्य को कम करने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड द्वारा कई कटौती के बाद फिल्म को यू प्रमाण पत्र मिला। इससे पहले जुलाई 2015 में टीम ने स्थायी रूप से 2 रिलीज तिथियां तय की थी। एक पोंगल 15 जनवरी 2016 के अवसर पर और दूसरी गणतंत्र दिवस सप्ताहांत 22 जनवरी 2016 के लिए तय की गई थी। टीम ने फिल्म के जल्दी पूरा होने के आधार पर रिलीज की तारीख की योजना बनाई थी। हालांकि उत्पादन में देरी के कारण टीम को रिलीज की तारीख को तमिल नव वर्ष 14 अप्रैल 2016 तक आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जानबूझकर रजनीकांत स्टारर कबाली थानू की उनके द्वारा निर्मित एक और फिल्म भी उसी दिन रिलीज होने वाली थी और चूंकि एक ही कंपनी या निर्माता द्वारा निर्मित कोई भी 2 तमिल फिल्मों एक ही तारीख पर नहीं टकराएंगी इसलिए टीम ने रिलीज को 1 मई 2016 तक स्थगित करने की योजना बनाई। आखिरकार दिसंबर 2015 में थानू ने दोनों फिल्मों के बीच रिलीज की तारीखों में बदलाव की घोषणा की जिसमें थेरी 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। फिल्म दुनिया भर में 1000 से अधिक स्क्रीनों पर प्रदर्शित हुई जिसमें
तमिलनाडु में 350 स्क्रीन, केरल में 200 स्क्रीन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 150 स्क्रीन और कर्नाटक में 70 स्क्रीन शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म को विदेशी केंद्रों के 400 थिएटरों में प्रदर्शित किया गया। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 144 स्क्रीन के साथ सिने गैलेक्सी ई की, जिनके संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म का वितरण किया था, ने कहा कि यह हाल के वर्षों में किसी विजय फिल्म की सबसे बड़ी रिलीज है। फिल्म के तमिलनाडु नाटकीय अधिकार 49.40 करोड़ में बेचे गए। एसपीआई सिनेमाज ने चेन्नई शहर के वितरण अधिकार 4.5 करोड़ में हासिल किए और चेंगलपेट क्षेत्र में नाटकीय अधिकार भी बेचे। इम्पॉसिबल फिल्म्स ने इन्हें 9.5 करोड़ में खरीदा। कोयम्बटूर के अधिकार वो 8.5 करोड़ में बेचे गए हैं। मदुरई के वितरण अधिकार इम्पाला थिएटर्स को 6.9 करोड़ में बेचे गए हैं। इसके बाद त्रिची तंजावुर क्षेत्र है, जहां ग्रीन स्क्रीन नारायण स्वामी ने 5.6 करोड़ की राशि में नाटकीय अधिकार हासिल किए हैं। 7G फिल्म्स ने सलीम क्षेत्र के अधिकार 4.6 करोड़ में हासिल कर लिए हैं। डॉक्टर अल्बर्ट ने साउथ आरकोट के अधिकार 3.40 करोड़ में खरीदे हैं और अलंकार थिएटर्स के देवराज ने नॉर्थ आरकोट के अधिकार 3.15 करोड़ में खरीदे हैं। लेकिन वन मामलाई और आयुक्त सीवी चक्रवर्ती ने उसे सूचित किया कि अश्विन 3 दिनों से लापता है। विजय को अश्विन को ढूंढने का काम सौंपा गया है। वन मामलाई को पता चलता है कि अश्विन की हत्या विजय ने ही की थी, जहां वह अपने बेटे की हत्या के लिए उससे प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। विजय की मुलाकात एक डॉक्टर मिथरा से होती है, जहां अंततः उन्हें प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं। फिर उन दोनों के पास नीवी है और वे एक खुशहाल जीवन जीते हैं। दुर्भाग्य से दीपावली की रात वन ममलाई और उसका भाई रत्नम विजय के घर में घुस जा गए, जहां उन्होंने विजय की माँ और उसकी पत्नी मिथरा को मार डाला और नीवी को डुबाने का भी प्रयास किया। हालांकि घायल मिथरा नीवी को बचाता है और विजय को शपथ दिलाता है कि वह अपनी बेटी नीवी को एक अहिंसक व्यक्ति के रूप में बड़ा करेगा और पुलिस बल जोड़ देगा। विजय मिथरा की प्रतिज्ञा स्वीकार करता है और नीवी की रक्षा के लिए उसकी मौत का नाटक करता है। विजय एनी से इसे नीवी से गुप्त रखने के लिए कहता है। नीवी के भ्रमण के दौरान वन मामलाई को पता चलता है कि विजय और नीवी जीवित हैं, जहां वह स्कूल बस के ब्रेक को हुए नुकसान का समन्वय करता है, जिसमें नीवी है जिससे बस नदी में गिर गई। एनिंग और स्थानीय लोगों की मदद से विजय नीवी और अन्य बच्चों को बचाने में कामयाब होता है, जहां उसे पता चलता है कि दुर्घटना के पीछे वन मामलाई का हाथ है और वह वन मामलाई के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए अपने पुराने स्वरूप में लौट आता है। विजय चेन्नई लौटता है और इंस्पेक्टर करिकलन को मार डालता है, जो वन मलाई का गुर्गा है और उस रात मौजूद था जब मिथरा की हत्या हुई थी। इस समय वन मलाई और रत्नम के बीच अनबन हो जाती है, जहां विजय रत्नम को एक इमारत की 13वीं मंजिल से धक्का देकर मार देता है। अंत में विजय को वन मलाई के गुर्गों द्वारा पकड़ लिया जाता है। केवल उन्हें एहसास होता है कि
यह विजय की पकड़ में आने की योजना थी। विजय बाद में वन ममलाई और उसके गुर्गों को मार डालता है। हत्याएं जनता के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन शिव चक्रवर्ती को गुप्त रूप से पता है कि विजय जीवित है और उसे पुलिस बल में फिर से नियुक्त किया गया है। कुछ साल बाद विजय बड़ी नीवी और एनी लद्दाख में है। विजय उस जिसने अपनी पहचान बदल कर धर्मेश्वर रखा और लिया है, सीबीआई के लिए काम करना जारी रखता है और मिथरा की इच्छाओं को भी पूरा करता है। विजय डीसीपीए के रूप में विजय कुमार आईपीएस और मित्रा के पति जोसेफ कुरुविला नेवी के पिता धर्मेश्वर समंता रूप प्रभु मित्रा विजय की पत्नी और नेवी की मां के रूप में एनी नेवी की शिक्षिका के रूप में एमी जैक्सन रवीना रविधारा डब की गई आवाज़ निवेदिता नेवी विजय और मित्रा की बेटी के रूप में नैनिका किशोरी निवेदिता के रूप में दिव्य विजय कैमियो उपस्थिति विजय की मां पप्पू के रूप में राधिका शरत कुमार महेंद्रन वन ममलाई के रूप में आयुक्त जी डॉ सी वी चक्रवर्ती के रूप में प्रभु गणेशन पी राजेंद्रन के रूप में राजेंद्रन वन ममलाई के छोटे भाई रत्नम के रूप में अजगम पेरमूल गणेश के रूप में काली वेंकट श्री कुमार को एसीपी मनोबाला स्कूल प्रिंसिपल के रूप में एसीपी करिकालन के रूप में स्टन शिवा मित्रा के पिता के रूप में कुमार नटराजन मित्रा की बहन पल्लवी रामकृष्णन के रूप में आयरा मित्रा और पल्लवी की चाची के रूप में निहारिका कल्याणी नटराजन फॉरेंसिक परीक्षक के रूप में विजय की भाभी दुल्हन के पिता के रूप में स्वामीनाथन मित्रा की दोस्त के रूप में अमृता अय्यर इसहाक के रूप में सुगुथन प्रीज नीति के चेतन के गुर्गे के रूप में सौंदर राजन कार्तिक के रूप में पुलिस के रूप में साईदीना एक बाल तस्कर चेतन गुर्गे के रूप में बीनिश वास्तिक पांडे कुट्टी के रूप में आर के अभिनव वन मामलाई के गुर्गे के रूप में आत्मा पैट्रिक राजी के रूप में राजी के रिपिता के रूप में ए आर सी चलादुरई टी मुथुराज चेतन के रूप में कैमियो उपस्थिति सुनैना विजय की भावी दुल्हन के रूप में जनवरी 2014 में विजय ने अपनी पहली निर्देशक फिल्म राजा रानी 2013 से प्रभावित होने के बाद एटली द्वारा निर्देशित एक परियोजना के साथ काम करने में रुचि व्यक्त की। बाद वाले को भी फिल्म में काम करने की उम्मीद थी क्योंकि वह अभिनेता का प्रशंसक था और उसकी हालिया परियोजनाओं की भी प्रशंसा करता है। बताया गया कि कलाई पुदली एस थानू ने इस परियोजना को वित्त पोषित किया था और इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर 2014 में की गई थी। निर्माताओं ने आगे घोषणा की कि टीम विजय की दूसरी फिल्म पुली 2015 में पूरा होने के बाद ये फिल्मांकन शुरू करेगी, जबकि एटली ने 2014 के अंत तक फिल्म की पटकथा लिखना जारी किया रखा। नवंबर 2014 में जीवी प्रकाश कुमार को थलाइवा और राजा रानी के बाद फिल्म ने से विजय और एटली के साथ सहयोग करने वाले संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। एटली की पिछली फिल्म राजा रानी में शामिल कई तकनीकी दल को भी टीम में शामिल किया गया था, जिसमें सिनेमेटोग्राफर जॉर्ज सीडट विलियम्स संपादक रूबेन और कला निर्देशक टी डॉट मुथुराज शामिल थे। यह फिल्म एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर मानी जा रही है, जहां विजय फिल्म में एक पुलिस अधिकारी और एक पिता की भूमिका निभाएंगे। और बताया गया है कि
यह फिल्म क्षत्रिया 1990 से प्रेरित है। नवंबर 2015 के अंत में निर्माताओं द्वारा थेरी को अंतिम रूप देने से पहले फिल्म के लिए मुंडुरु मुंगम वेट्री थुपाकी खाकी और थुरुमारु सहित कई शीर्षकों पर विचार किया गया था। फिल्म का पहला लुक भी उसी तारीख को जारी किया गया था। समंतारुत प्रभु और एमी जैक्सन को मुख्य महिला भूमिका निभाने का काम सौंपा गया। घोषणा के तुरंत बाद कई रिपोर्ट सामने आई कि नयनतारा मुख्य भूमिका निभाएंगी। हालांकि जनवरी 2015 में अभिनेत्री ने फिल्म में हिस्सा होने के दावों का खंडन किया। बाद में समंतारुत प्रभु को मुख्य महिला भूमिका के रूप में घोषित किया गया। एमी जैक्सन भी दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में फिल्म में शामिल हुई। कथित तौर पर फिल्म में उन्हें एक मलयालम भाषी स्कूल शिक्षिका की भूमिका निभाई गई थी। प्रारंभ में टीम ने जैक्सन की भूमिका के लिए कुछ हिंदी अभिनेत्रियों से संपर्क किया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मार्च 2015 में अनुभवी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता राधिका शरत कुमार 27 साल बाद दूसरी बार विजय के साथ काम करते हुए फिल्म में विजय की मां की भूमिका निभाई गई थी। फिल्म में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए टीम ने भारती राजा से संपर्क किया था, लेकिन उनके फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार करने के कारण एटली ने अनुभवी निर्देशक के महेंद्र को प्रतिपक्षी के रूप में चुना। इसी तरह सत्यराज ने भी एक और महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संपर्क किया, जिसे उन्हें बाहुबली 2 द कंक्लूजन में अपनी प्राथमिकताओं के कारण अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद प्रभु को यह भूमिका निभानी पड़ी। परियोजना की शुरुआत के दौरान अभिनेत्री मीना की बेटी नैनिका ने अधिकारी के तौर पर फिल्म का हिस्सा बनने की पुष्टि की, जिससे उन्होंने अभिनय की शुरुआत की। वह फिल्म में विजय की रियल लाइफ बेटी का किरदार निभाएंगी। सुनैना को भी फिल्म के एक विस्तारी कैमियो भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। अभिनेत्री अमृता अय्यर समंता की चचेरी बहन की भूमिका में एक अज्ञात भूमिका में दिखाई दी। 26 जून 2015 को चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर केरल क्लब हाउस में एक आधिकारिक लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कलाकारों और चालक दल के कई सदस्य उपस्थित थे। फिल्म का निर्माण जुलाई 2015 और शुरुआत में चेन्नई में शुरू हुआ और विजय के लिए एक परिचयात्मक गीत शहर में शूट किया गया था। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रूट पर विजय और समंता के दृश्य दिखाए गए। चेन्नई में आगे के दृश्य आदित्य राम स्टूडियो और बिन्नी मिल्स में फिल्माए गए, जहां कला निर्देशक टी दत्त मुथुराजन ने एक विशाल सेट बनाया था। राधिका भी शूटिंग का हिस्सा थी, जबकि अभिनेत्री सुनैना ने जुलाई के माध्यम में समाप्त हुए शेड्यूल में एक दिन के लिए शूटिंग की। बताया गया कि दूसरा शेड्यूल महीने के अंत में शुरू होने वाला था, लेकिन फिल्म एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ साउथ इंडिया के खिलाफ तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल द्वारा की गई हड़ताल के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई। फिल्म का दूसरा शेड्यूल 3 अगस्त 2015 को चेन्नई में फिर से शुरू किया गया, जिसमें विजय और समंता शूटिंग में शामिल हुए और 25 दिनों तक चले।
कुछ दृश्यों की शूटिंग ईस्ट कोस्ट रोड पर एमजीएम डीजी वर्ल्ड में भी की गई। सितंबर 2015 में चेन्नई में एक महीने की लंबी छुट्टी शूटिंग के लिए एक और कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। सितंबर में के माध्यम में टीम ने अनुभवी अभिनेता शिवाजी गणेशन के पैतृक घर अन्नाईलम में कुछ दृश्यों की शूटिंग की और शूटिंग 2 से 3 दिन तक चली। नवंबर 2015 में यह पता चला कि फिल्म 70% पूरी थी और समंता प्रभु से जुड़े कुछ हिस्सों की